मालिक के शाहनवाजे प्यारी सा बहुत सी सासंगत कनातों के बाहर है और आपसे गुजारिश आपसे प्रार्थना कि जितना जल्दी हो सके आप पंडाल के अंदर आके बैठ जाइए और जो भी सात यहाँ पे सत्संग में आश्रम में ओम अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहि गुरु भगवान की याद में आके बैठे हैं बैठ रहे हैं आसपास से दूर दराज से जो भी सास संगत यहाँ पधार रही है पधार चुकी है आप सबका राम नाम की कथा कहानी में मालिक की याद में आने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी आया नू कहते हैं मोस्ट वेलकम तो आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा जिस पे आज का सत्संग कीर्तन होगा वो भजन है जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले न बारंबार जपलो रे हे प्यारे भाई इस मनुष्य शरीर में दो काम अति जरूरी हैं पहला ओम हरि अल्लाह वाहि गुरु गौड खुदा रब की भक्ति इबादत करना और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करना ईश्वर का नाम जपना क्यों जरूरी है जिस तरह से कोई पेड़ पौधा होता है उसकी जो जड़ है उसको अगर खुराक मिले तो वो सबसे ताकतवर जगह है और जड़ को जब पानी या खाद दिया जाता है तो पौधा अपने आप लहलहा उठता है उसी तरह मनुष्य शरीर में जो शरीर को सुरजीत रखती है जिंदा रखती है मजबूत रखती है वो जगह है आत्मा रूह जिस तरह पेड़ पौधे की जड़ में खुराक दें तो वो मजबूत हो जाता है उसी तरह मनुष्य अगर अपने आत्मा को खुराक खिलाए तो वो मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त ताजगी से महक जाता है पर आत्मा की खुराक एक ही है चाहे आप एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी कोई भी पद्धति में देख लीजिए आत्मा की खुराक उनके पास नहीं है ऐसा कोई टॉनिक नहीं ऐसी कोई दवा नहीं जिसको लेने से सीधी आत्मा बलवान हो जाए ऐसा टॉनिक हमारे वेद शास्त्र पवित्र गीता रामायण इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल उसमें दर्ज है कि हमारी आत्मा की खुराक कौन सी है आत्मा की एक ही खुराक रही है हर युग में हर समय और वो खुराक है राम नाम का जाप करना मालिक की भक्ति करना और उसके लिए सबसे बढ़िया समय जो माना गया सुबह दो से पांच उसमें घंटा एक घंटा सुमरन कीजिए इबादत कीजिए इस समय को हिंदू धर्म में हमारे वेद शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहा गया सिख धर्म में अमृत बेला इस्लाम धर्म में बांगे वक्त इलाहे वक्त सूफी संतों ने लिखा इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रे टाइम द गॉड्स प्ले इंडियन टाइम तो सवेरे जागना यह हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे पूजनिक पैगंबर, ऋषि मुनि गुरु सहवान संत सदगुरु ने लिखा है लेकिन पीछे नासा साइंस केंद्र ने एक खोज की जो कि आज है दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र है और वो लोग कहने लगे कि सुबह दो से पांच के बीच में जागो यह समय अति उत्तम है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह समय हमने ढूंढ निकाला है यह सबसे बढ़िया समय है कई सज्जनों ने हमसे चर्चा की हमने कहा भाई ये आज वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा बल्कि हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों ने ढूंढा है यह आज कह रहे हैं ये समय सबसे बढ़िया है जबकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है हजारों साल पहले कि सबसे बढ़िया टाइम अगर कोई है चौबीस घंटे में तो वो सुबह सवेरे का दो से पांच इसमें अगर भक्ति की जाए सुमरन किया जाए तो आत्मा को खुराक मिल जाती है और जबरदस्त तरीके से मिलती है वैसे आप शरीर की खुराक लेते हैं कभी भी लें किधर भी लें तो वो शरीर को लगती है वैसे आत्मा के लिए भी राम नाम की खुराक है इस कलयुग में चलते लो बैठ के लेट के काम धंधा करते हंसते बोलते यानी शारीरिक अवस्था चाहे आपकी कोई भी है पर अगर आप जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम ले लेते हैं वो आपकी आत्मा की खुराक बन जाती है वो आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है लेकिन सही टाइम पे अगर सही खुराक आदमी ले तो शरीर मजबूत होता है उसी तरह आत्मा को भी अगर सही टाइम पे सही खुराक खिलाई जाए तो आत्मा बलवान जल्दी होती है सुबह दो से पांच जैसे आप उठते हैं रफ़ाहस जाइए फ्रेश होके हाथ मुंह धो लीजिए और फिर ओम अल्लाह गुरु गौड़ खुदा रब की याद में आप घंटा आध घंटा बैठ जाइए और शाम का समय सबसे बढ़िया रोटी से पहले डिनर से पहले या आफ्टर डिनर ढाई घंटे बाद आप मालिक की याद में बैठे इससे क्या होता है कैसे पता चले कि आत्मा को खुराक मिलने से हमें फायदा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी परेशानी है तो आपके अंदर सवाल घूमना शुरू हो जाता है वो समस्या वो परेशानी आपके अंदर चलनी शुरू हो जाती है हर किसी का सोचने का अपना अपना लेवल है हर किसी का दिमाग का एक लेवल है तो आपके अंदर कोई बात घूमती है और मान लेते हैं आपका सोचने का लेवल इस टेबल से लेके इतना है तो आप सोचते हैं यहां तक बात जाती है पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता कोई हल नहीं मिलता तो आप कि आत्मा फिर से आवाज आपके अंदर घूमती है और जैसे जैसे आपकी बात रिपीट होती रहती है और आपको जवाब नहीं मिलता वैसे वैसे आपके अंदर टेंशन चिंता बढ़ती चली जाती है राम का नाम कैसे असर करता है आत्मा की खुराक का क्या फायदा होता है जैसे आप सुमरण करेंगे भक्ति करेंगे आपके सोचने का लेवल जो इतना था राम नाम के जाप से वो बढ़ के इतना हो जाता है तो जो समस्या का हल इधर नहीं मिलता जो दुख तकलीफ का हल इधर नहीं मिलता सुमरन करके जो आपका सोचने की ताकत बढ़ गई उसका हल इधर से मिल जाएगा और आप गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से आजाद हो जाएंगे तो राम नाम इस तरह से हमारे अंदर काम करता है भगवान का नाम इस तरह आत्मा को शक्ति देता है और समय जाना नहीं चाहिए यहां समय दो तरह से कहा गया है एक तो समय टाइम समय और दूसरा मनुष्य शरीर जो भी सेकंड, मिनट घंटा दिन महीना साल गुजरता है आपकी कुल आयु में से कम होता चला जाता है अगर आप यह सोचते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं तो यह आपकी नासमझी है मां बाप तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है जबकि संत हमारे धार्मिक शास्त्र विद्वान ये कहते हैं नहीं आपका वो बच्चा छोटा होता जा रहा है मान लीजिए आज से दस साल पहले किसी बच्चे की उम्र दस साल थी और उसकी कुल आयु पचास साल तो तब उसकी उम्र बकाया थी चालीस साल आज वो बच्चा बीस साल का हो गया मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया लेकिन हमारे गुरु संत पीर फकीर कहते हैं वो छोटा हो गया क्योंकि पहले उसकी चाड़ी बकाया थी अब बीस का हो गया तो तीस बकाया यानी जितना समय गुजर जाता है उतना समय हमारे जीवन का कम हो जाता है और समय समुंदर की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते किसी का इंतजार नहीं करते समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो सरपट दौड़ता है इसको पूंछ से पकड़ के नहीं आगे गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है सो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा मनुष्य शरीर में परमानंद पाया जा सकता है मनुष्य शरीर में सुख शांति मिल सकती है पर अगर आप थोड़ा सा समय प्रभु की भक्ति में दें आज संसार में निगाह मारें तो ज्यादातर लोग इसीलिए दौड़ रहे हैं पैसा शारीरिक सुख पारिवारिक सुख अपनी वाह और मुख्यतः पैसा पैसा दे दो तो आदमी आपके गुणगान गाएगा तो पैसा चारों तरफ छाया हुआ है लेकिन क्या पैसा ही सुख देने वाला है क्या रुपए पैसे से ही शांति मिलती है जी नहीं ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दुनिया में नंबर रखते हैं धनवानों में पर उनको रोते देखा है कि दिन का चैन नहीं और रात की नींद नहीं अगर पैसा ही सब कुछ होता तो वो स्वर्ग खरीद लेते हमारे धर्मानुसार पैसा सब कुछ नहीं है सब कुछ है आत्मिक संतुष्टि आत्मिक शांति आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं आपके पास जो कुछ है उसका सुख लो आपके पास जो कुछ नहीं है उसको पाने के लिए कड़ा परिश्रम मेहनत हक हलाल दशा नुआ कीर्त कमाई यानी कड़ा परिश्रम करो टेंशन ना करो क्योंकि और पाने के लिए अगर चिंता टेंशन करोगे तो जो आपके पास है उसकी भी सुख शांति आपको नहीं मिलेगी तो इसलिए अगर इंसान के अंदर आत्मिक बल है आत्मिक शांति है तो अपने बुरे विचारों पर काबू पा सकता है और जो अपने बुरे विचारों पर काबू पा लेते हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान कहलाते हैं तो भाई इस भजन में यही आया जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का जप लो रे जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले ना बारंबार मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता कबीर जी ने भी इस बारे में लिखा है कबीरा मांस जन्म दूर्भ है हो न बारंबार जो बण डार कि जैसे एक वृक्ष की टहनी से फल पक्के धरती पे गिर जाता है वो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी से कभी नहीं लगता उसी तरह ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को पका हुआ फल यानी प्रभु से मिलने के लिए पका हुआ फल मिला है इसमें राम नाम की चर्चा कर ली तो आवागमन से आजादी मिलेगी प्रभु के दर्शनों के काबिल बनोगे और जन्म-मरण से आप आजाद हो जाओगे और अगर इस जन्म में आपने मालिक को याद नहीं किया प्रभु का नाम नहीं लिया तो जन्म मरण में उलझ जाओगे यही बात हिंदू महापुरुषों ने फरमाया है आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरे वाले में प्रवेश कर जाती है दूसरा छोड़ती है उससे अगले वाले में प्रवेश कर जाती है इस तरह आत्मा के साथ जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है जब मनुष्य शरीर मिले और उसमें प्रभु की भक्ति करे तो आवागमन से आजादी मिल सकती है अन्यथा आत्मा आवागमन में चक्कर लगाती रहती है सिख गुरु साहबान भी लिखते हैं चौरासी लख परमतियां दुर्लभ जन्म पायो नानक नाम संभालतू तू सोधन ने आयो चौरासी लाख जन्म मरण में चक्कर लगाते हुए यह दुर्लभ जो किसी भी मोल बाजार के किसी भी कोने से नहीं मिलता यह मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है गुरु सहवान महापुरुष फरमाते हैं कि भाई इसको परमात्मा के नाम से संभाल कर इस शरीर में वाहगुरु का नाम ले वरना सोदन नेड़ा आयो तेरी मौत का दिन दिन वे दिन करीब आता जा रहा है सो कहने का मतलब हर धर्म में लगभग यह लिखा है कि आप इस शरीर में मालिक का नाम जब राम नाम की चर्चा करें तो आपके गम दुख दर्द टेंशन दूर होगी और प्रभु की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाएंगे तो जन्म गया फिर हाथ ना आई मिले न बारंबार मनुष्य जन्म जा रहा है महाभारत में जक्ष ने जुधिष्ठर से पूछा था जक्ष वास्तव में धर्मराज जी थे परीक्षा लेने के लिए क्या युधिष्ठर धर्मराज का दायित्व निभा रहे हैं तो उन्होंने वो पानी वाली घटना शायद आपको याद हो कि पानी पीने जब पांडव गए थे तो सभी बेहोश हो गए थे तो युधिष्ठर गया धर्मराज गया वहां आवाज आई सावधान पानी मत पीना अगर मेरे सवाल का जवाब दिए बिना पानी पी लिया तो आप अपने भाइयों की तरह यहां मर जाओगे युधिष्टर ने कहा ठीक है सवाल बोलिए बहुत समझदार थे सवाल पूछते पूछते एक सवाल आया हे hey जुधिष्टर ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कौन सी है तो युधिष्ट ने जो जवाब दिया थोड़ा सीधे शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि एक आदमी जीता आदमी जीता आदमी यह देख रहा है कि उससे बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र वाले इस दुनिया से जा रहे हैं लेकिन वो जीता इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने खुद भी एक दिन मरना है ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है और वास्तव में वास्तव में यह अजूबा है लोग ऐशो इशरत में लगे रहते हैं गप शप निंदा चुगली बुराइयां गाते रहते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह ठगी बेईमानी पाप जुल्म की कमाई सब कुछ यहीं पे रह जाएगी साथ कुछ नहीं जाएगा पर उनको होता कि नहीं ऐसा थोड़ा ही ना है ऐसा ही है इस संसार से हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है मालिक ने वो समय तय किया होता है वो समय निश्चित है तिल बड़े न घटे जो लिख दी करता जितने श्वासों की गिनती प्रभु ने लिख दी शरीर में वो तिल के दाणे जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाणे जितनी कम नहीं हो सकती शायद कोई सज्जन सोचे ऑक्सीजन जो लगाते हैं वो तो एक्स्ट्रा श्वास होते हैं नहीं ये आपका भर्म है पढ़े लिखे भाई जानते ऑक्सीजन की की नाक में लगी होती है और प्राण पखेरु उड़ जाते अगर ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा श्वास मिलते तो लोग तो अपनी उम्र सीधी डबल कर लेते दिन को भगवान वाले श्वास और रात को ऑक्सीजन वाले श्वास तो भाई ये सही नहीं है सही है जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि जितना समय प्रभु ने दिया है उतना समय भोगने के बाद इस संसार से हर किसी को रुखसत होना पड़ता है हर किसी को विदा लेनी पड़ती है पर उस समय आने से पहले पहले राम का नाम जपो ओम हरि अल्लाह ईश्वर की भक्ति इबादत करो ताकि आवागमन में ना पड़ो जन्म मरण से आजाद हो जाओ और जब तक इस संसार में जियो तो परमानंद वो खुशियां वो लज्जत आपको मिले जो दोनों जहां में उसको नसीब होती है जो प्रभु का नाम लिया करते हैं इस बारे में जो भी संतों की बानी लिखी हुई है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे भाई सेवादार तो इस बारे में लिखा बताया है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मनुष्य जन्म भागों करके मिलता है इसमें हमें उस रास्ते चलना चाहिए और वो कुछ करना चाहिए जिसका उपदेश महापुरुष हमें दें मनुष्य जन्म दुर्लभ है बार बार हाथ नहीं आता यदि ये एक बार हाथ से निकल गया फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है जन्म दुर्लभ है जैसा आपसे चर्चा की बाजार के किसी भी कोने में से अरबों हरमो रुपए लगा दीजिए एक बार जीवात्मा शरीर छोड़ गई, तो दोबारा उसको खरीद के लाया नहीं जा सकता अनमोल शरीर दुर्लभ शरीर हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है तो इसको बर्बाद ना कीजिए इसमें राम का नाम जपिए मालिक की भक्ति इबादत कीजिए तो साथ साथ भजन चलेगा आपसे फिर से गुजारिश कोई बात अगर कोई सात संगत पूछना चाहती है राम नाम की तो आप लिख के भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं तो साथ साथ भजन चलेगा जी और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे तो भजन है जपलो रे प्यारे नाम प्रभु का जपलो रे जन्म गया फिर हाथ ना आए मिले ना बारंबार कि राम का नाम जपो और ईश्वर की सब औलाद हैं सबसे निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत करो तो भगवान आपकी झोड़ियां दया में रहमत से माला एक दिन जरूर कर देंगे जी तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे हाँ जी चलिए ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲ ਵਿਕਾਰ ਆਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਾਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਾਈ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵਸੀ ਬਿਸਨ ਦਾਸਾ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਕਰ जपलोरे प्यारे नाम प्रभु का जपलोरे जब रे प्यारे नाम प्रभु का जप रे जन्म गया फिर हाथ न आए मिले न बारंबार जब रे प्यारे

को भाई देवी देव थे से जल्दी से ये हाथ न आए लगे बेअंत पर से रे प्यारे नाम प्रभु जप लो रे लो रे प्यारे नाम प्रभु जप लो रे प्रभु का रे संग जियो भजन की तरफ आते हैं पहले काफी सवाल आए हैं तो उनमें से कुछ सवालों का जवाब आपकी सेवाएं रखते हैं बाकी फिर साथ साथ तो ये ज्योति ज्योतिकोमत है सीएनएन टीवी आईवीएन से इन्होंने पूछा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या आपकी धार्मिक आजादी पर सिख समुदाय रोक लगा रहा है थोड़ा सा हम चाहेंगे कि शब्दों को सही करें हमारा सिख समुदाय हमेशा हमसे प्यार करता है करता था करता रहेगा और हम भी सिख समुदाय से प्यार करते थे करते हैं और करते ही रहेंगे हर धर्म के गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनि संत महापुरुष हमारे अति पूजनीय थे हैं और हमेशा रहेंगे उनके अनुसार हम चलते थे चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे तो ऐसा नहीं आप इधर निगाह मारिए सिख समुदाय कितना बैठा हुआ है तो हमारी धार्मिक आजादी पर रोक कौन लगा रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि राम नाम जपना अल्लाह वाहि गुरु गौड़ खुदा रब का नाम लेना कोई गुना नहीं है ये तो जरूरी है हर प्राणी के लिए क्योंकि धर्मों का पहला अक्षर ही ये है हम सभी धर्मों को मानते हैं तो सभी धर्मों में पहला शब्द है कि आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को सुबह उठते ही याद किया करें तो ये आप जानते हैं जी इससे बेहतर और क्या कहें इन्होंने कहा है कि अदालत ने आपके ऊपर जो आरोप तय किया है निर्देश दिए हैं तो आपका क्या कहना है एक आरोप तय करना अलग चीज है न्यायिक प्रक्रिया है आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है और ये सारा मामला माननीय न्यायालय में है और हमारा माननीय न्यायालय में बहुत विश्वास है जिस देश में रहते हैं उस न्यायालय में विश्वास नहीं कैसे नहीं कर सकते तो हमें ये पूरा है क्योंकि हम ये चीजें तो लोगों से छुड़वाते हैं कि भाई किसी का बुरा ना दकाओ बलात्कार ना करो बुरे काम ना करो और कैसी विडंबना है कि सवा दो करोड़ लोग हमारे कहने से ये बुराइयां छोड़ रहे हैं और वही हमारे पे थोपा जा रहा है पर हमें अपने न्यायालय पे अपने न्याय पे पूरा भरोसा है अपने अल्लाह राम मालिक पे पूरा भरोसा है क्या आपकी जान को खतरा है किससे है आपके सामने बैठे हैं संतों को काहे का खतरा है का बाकी अगर कोई समझता है तो वो समझता रहे किससे है वैसे तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं आपको सब पता है फिर भी हमसे कहलवाना चाहते हैं हम नशा छुड़वाते हैं हम खूनदान करवाते हैं हम नहीं अल्लाह करवाता है सिर्फ इधर तो मैं है है उसका है वो करवाता है इस ये फकीर कर देता है और साथ संगत मान लेती है खूनदान करवाते हैं नशा छुड़वाते हैं बुरे कर्मों से परहेज करवाते हैं हर बुराई को छोड़ना है सात दिन में से एक दिन भूखा रह के आप उनका पेट भरो जो लाचार अंगहीन या स्टेशनों पे रात को भूखे सोते हैं आप अपने कपड़े जो हैं उनको अगर आपके पास ज्यादा हैं तो उनके शरीर ढांपने के काम आए भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जाता है यहां आप देखिए शाही बेटियां बसेरा है उनमें उन बेटियों को पालन पोषण किया जाता है तो कौन दुश्मन हो सकता है जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती किसको नहीं लगती वो आप जानिए कोशिश कीजिए किसको नहीं लगती अकाली सरकार का आपकी तरफ क्या रुख है अजी हमने तो कभी किसी का रुख नहीं देखा बाकी आप ज्यादा पूछना चाहते हैं तो वहां की सा संगत से पूछिए पंजाब की उनके साथ उनका क्या रुख है आपको अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी क्योंकि जो वहां रहता है उसको ज्यादा पता है कि उनके साथ कैसा रुख है तो वो आपके जरूर ख्याल में आ जाएगा जी <laughs> ये है जी विक्रम चौधरी एनडीटीवी से क्या आपकी सिख समुदाय से जंग शुरू हो गई आपको पहले बताया सिख समुदाय तो यहां बैठा है हर जगह है उनसे हमें मोहब्बत है प्यार है प्यार था और प्यार रहेगा रही बात कि फकीर किससे कहता है कि ये चीज छोड़ो यंग नहीं यंग नहीं करता वो लड़ाई नहीं करता पर वो एक हिम्मत से कहता है कि आप नशे छोड़ दीजिए बुराइयां छोड़ दीजिए समाज में आज नशे जो बड़े कर रहे हैं यकीन मानिए ऐसी खबरें भी आई हैं पता है आप लोगों को तो पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी चॉकलेट में या कई चीजों में डाल के नशा करवाया जा रहा है तो आने वाला समाज कैसा होगा जरा निगाह मारिए सब लोग नशे से धुत रहा करेंगे आने वाली पीढ़ियां आने वाला समाज हमारे देश का अगर नशा यूं ही चलता रहा तो क्या रस्ताल में नहीं चला जाएगा तो फकीर बुराइयां छुड़ाते हैं बुराइयां रुकवाते हैं उनका किसी से कोई बैर विरोध ना था ना है और ना कभी रहेगा क्योंकि फकीर संत क्या कहता है वैसे तो कबीर साहब जी ने लिखा है लेकिन हमने एक शेर बनाया है उसके अनुसार लगभग उस जैसा संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर फकीरों का किसी से क्यों बैर होगा किस लिए हमारा तो सबसे प्यार है सबसे दोस्ती है सबसे मोहब्बत है और वो भी बेगरज नी स्वार्थ इसलिए हमारा किसी से कोई बैर वे, विरोध ना था ना है जी इन्होंने लिखा है जी शमशेर जी कहते हैं न्यूज 24 लिखा है इन्होंने डेरा सच्चा सौदा सिख विवाद को डेरा के द्वारा हिंदू सिख विवाद का रूप देने की कोशिश की जा रही है जी हम टीवी नहीं देखते आ, ऐसा कोई अखबार नहीं पढ़ते लेकिन आप कह रहे हैं तो पता नहीं किस रूप में कह रहे हैं आप कब से ये रूप दिया जा रहा है या कौन कह रहा है ऐसी बात अगर कह रहा है तो उसकी कोई वजह है आप जाके देखिए अगर कोई पीड़ितों को तंग किया गया वो कौन से पीड़ित हैं आप जाके छानबीन कीजिए आपके सामने आ जाएगा कौन पीड़ित हुए हैं किनको को गया है सो ये आपको पहले से कह दिया कि हिंदू सिख का तो मतलब ही नहीं क्योंकि हिंदू भी हमारे अपने हैं उस मालिक अल्लाह राम ईश्वर के औलाद हैं और सिख भी अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद है तो हमारा भेदभाव करना कोई ऐसा है नहीं लेकिन अगर ऐसी कोई बात किसी ने कही है आश्रम की तरफ से तो आप खोज कीजिए जिनको पीड़ित किया गया वो लोग कौन है शायद तस्वीर आपके सामने आ जाए इन्हों लिखा है ये हैं जी सुधीर आर्य शमशेर कैंथ जेड प्लस सुरक्षा के बावजूद निजी सुरक्षा सुरक्षा गार्ड रखने का क्या क्या कारण है सरकारी पर भरोसा नहीं जी ऐसा है यहां तक सुरक्षा का सवाल है ये जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है वो देखती है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं आप कभी भी किसी से पूछ लीजिए हमने जाके कहा हो ऐसा कुछ तो ये मैनेजमेंट का काम है वो कैसे कहा कैसे सुरक्षा सात संगत करती है किस तरह से आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है हमारा इससे लेना देना नहीं लेकिन अगर आप ये सोचें कि संतों के साथ सुरक्षा क्यों होती है तो इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे इतिहास गवाह है हम तो एक छोटे से फकीर हैं आपके चौकीदार हैं चौकीदार से भी छोटे हैं सिर्फ आवाज देते गुलामों के गुलाम हैं सेवकों के सेवक हमें कोई मान बड़ाई नहीं लेकिन हमारे जिनकी हम अनुसरण कर रहे हैं हमारे गुरु हमारे महापुरुष हमारे अवतार कृष्ण जी राम जी इतने बड़े अवतार भगवान स्वरूप उनकी खुद की सेना थी तो एक फकीर के पास अगर चार, चार लोग खड़े हैं तो बुरा ना मनाइएगा आप अपने अनुयायियों प्रेमियों को एक खास पार्टी को वोट डालने के लिए आपकी आलोचना होती रही क्या यह भूल थी या सही निर्णय था विक्रम चौधरी सबसे पहले बताना चाहेंगे हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं कोई भी आदमी सच्चा यह कहे कि गुरु ने मुझे यह कहा हम देनदार हैं सवाल पैदा नहीं होता आज तक हमने कभी किसी पार्टी को कहा इसको वोट डालो इसको ना डालो स्वाद ही पैदा नहीं होता शासत का अपना निर्णय वो क्या करते हैं किस तरह से करते हैं ये वो लोग जाने लेकिन हमारा इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है जी विक्रम चौधरी लिख रहे हैं मीडिया से खुलकर बात करने से अब तक परहेज क्यों जी कभी परहेज नहीं रखा आ, आपका क्या सिस्टम रहा है किससे कैसा रहा है वो हमें पता नहीं लेकिन हम तो हर बार सवालों के जवाब देते हैं कई बार यहाँ पे सज्जन आते रहते हैं सरसा से हमें अब ख्याल में नहीं है आ, उनका नाम शायद डॉक्टर साहब हैं कुछ ऐसे सज्जन हैं जो न्यूज चैनलों से हैं कई बार आए हैं ऐसा नहीं हमारा ऐसा कुछ पर्दा नहीं कुछ ऐसी बात नहीं डेरा सिख विवाद के शुरू होने के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने आपसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा था कि आपके सलाहकार इस विवाद का अंत नहीं चाहते क्या सच्चाई है जी ऐसा तो लगता नहीं क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से जो किसी में गलत फहमी पैदा हुई है वो दूर की जा सके हर तरीके से आश्रम की तरफ से पहल की गई है हर तरीके से बोला गया हमसे भी आप कह रहे हैं मीडिया से दूरी हमसे मीडिया शुरू शुरू में जब ये विवाद गहराया नहीं पहले पूछने आए थे और हमसे स्पेशल इंटरव्यू भी लेके गए थे वो दिया कितना ये भी हमें नहीं पूछा नहीं लेकिन ये हुआ था हमसे पूछा गया था काफी सवाल किए गए थे अंदर शायद आप में से यहाँ सज्जन बैठे हैं हमें पहचान में आ रहे हैं जी कुछ लोग आ रहे हैं पहचान में इधर भी बैठे हुए जो अंदर जाके न्यूज चैनलों से वो रिकॉर्डिंग करके लेके गए थे तो ऐसा नहीं है आप हम हमेशा तैयार हैं कि मानवता का कहीं भी नुकसान ना हो उसके लिए हमने हमेशा पहल की है हमेशा सबका भला चाहा है चाहते थे और हमेशा सबका भला चाहते रहेंगे जी। ये नाम समझ में नहीं आ रहा जी चलो जी शायद आपके अनुसार डेरा सिख विवाद कैसे खत्म हो सकता है जी फिर वही बात बार बार सिख शब्द जो आ रहा है उससे हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा सिखों से या सिख धर्म से कुछ लेना देना है ही नहीं जो लोग इसको विवाद समझ रहे हैं वो लोग आए और आश्रम के जो जिम्मेवार है वो बैठ जाएं एक टेबल पे बिठा दें आप लोग उनको लाके यहां मर्जी बिठा दें आप बीच में आ जाएं और जैसा जैसा लोग चाहें उसको हल कर दें ये सबसे आसान और सही तरीका है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठ के इसको हल कर लिया जाए इधर से लोग तैयार हैं आप ले जाना चाहें जो प्रबंधक या जिसको ले जाइए आपके भरोसे भेज देते हैं सबको ले जाइए जिसको ले जाना है तो कहने का मतलब इधर से कोई ऐसी चीज नहीं है जो हाँ बाकी सिख धर्म ना लिखे आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है क्योंकि सिख धर्म हमसे भी प्यार करते हैं और हम उनसे बेंतहा प्यार करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कौम के लोग यहाँ बैठे हैं आप निगाह मारेंगे लाखों की तादाद में तो इसलिए ये आप ना लिखें जी धर्म का बाजी करना और राजनीति करना कहाँ तक उचित है यह समाज को किस दिशा में ले जाएगा ऐसा हमने कभी नहीं चाहा कि धर्म का ऐसा कुछ हो धर्म आ, कभी भी किसी को डराता नहीं यहां तक धर्म की बात आपने पूछी है तो हम आपको धर्म की बात बताना चाहते हैं। पहले तो आपको यह बता दें धर्म शब्द का अर्थ क्या है मीनिंग्स मतलब क्या है धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो ग्रहण कर लो आदमी को आदमी से जोड़ो आदमी को ओम हरि अल्लाह वाह राम से जोड़ो धारण करना धर्म मतलब धारण करना ग्रहण करना धर्म में नफरत ईर्षा निंदा लड़ाई झगड़े कहीं नहीं लिखे कई बार लोग किसी को कह देते हैं जैसे अभी ये चर्चा चल रही है कि फलां धर्म बुरा है वो शायद विवाद बढ़ा रहा है तो इस पर आपको एक शेर कहना चाहेंगे जरा गौर फरमाइएगा बुरा कौन है क्या धर्म बुरा है नहीं ऐसा नहीं है तो कौन बुरा है तो उसके लिए एक शेर आपको सुनाते हैं ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है गौर कीजिएगा ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है जो बुराई से जुड़ जाता है वो बुरा कहलाता है इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट प्रार्थना है किसी धर्म को बुरा ना कहिए धर्म कोई भी बुरा नहीं क्योंकि हमने सब धर्मों को पढ़ा है उसमें लिखा बुरा है ही नहीं अब निंदा की बात यहां तक आती है हिंदू धर्म में वशिष्ठ जी से पूछा गया पवित्र रामायण में कि ऐसा कोई पाप बताइए जो थोड़े समय में आदमी कर लेता है और बहुत देर तक उसका असर रहता है महापाप तो वशिष्ठ जी ने या वाल्मीकि जी ने क्या कहा दो शब्द ध्यान दीजिए क्या पर निंदा पर निंदा दूसरों की निंदा सबसे बड़ा महापाप है अब इसी बात को सिख गुरु कैसे कहते हैं? निंदा भली किसी की नाही मनमुख मुग्ध कर पवित्र गुरबाणी पढ़ के देखिए उसमें ये लिखा हुआ है हो सकता है बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए जी लेकिन साफ लिखा हुआ है कि निंदा किसी की भी अच्छी नहीं है ऐसा करने वाला गुरमुख नहीं हो सकता वो मनमुख कहलाता है तो इस तरह से हमारे धर्म जोड़ते हैं तोड़ते नहीं जोड़ना सिखाते हैं और हम भी यही काम कार्य करने के लिए चले हैं कि बुराइयां छूट जाएं और हर कोई अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को शांति से सुमरन करे और दया में रहमत से माला माल हो जाए तो शायद सवाल पहले आए हुए हैं तो इसलिए उसमें वही शब्द लिखा हुआ है सभी में जी तो ये इंद्रमोहन शर्मा ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर सरसा आपकी दृष्टि के मुताबिक सिख समाज आपका विरोध क्यों कर रहा है उसका जवाब शायद हमने दे दिया है कि सिख समाज हमारा विरोध नहीं कर रहा सवाल पैदा नहीं होता जो बुराइयां हटने से खुश नहीं शायद वो ऐसा कह रहे हूं ऐसा कर रहे हूं डेरा सिख विवाद का हल क्या हो सकता है इसका जवाब भी दिया जा चुका है इसमें फिर वही सिख विवाद नहीं होना चाहिए जी और यही बात है कि जो अभी पूछी गई कोर्ट की बात तो वो हमने बता दिया है जी कि उसे मीडिया से रूबरू नहीं हुए वो जैसा आपको बताया कि मैनेजमेंट जैसा है जब भी हम वहाँ जाते हैं और जितनी भी यहाँ के सरकारी लोग हैं या ऑफिसर सज्जन हैं उनका कहना ही ये होता है कि यहीं से बैठिए और यहीं से जाइए आप संगत से भी कम से कम मुखातिब हों तो इसलिए आपसे गुजारिश कि वहां सात संगत के सामने तो हम कहा करते हैं आ, लेकिन एकदम से ऐसा अलग से आ, उनकी तरफ से ही ऐसा आदेश होता है कि रोका जाता है जी बाकी इस बारे में पूरी तौर पे जो मैनेजमेंट है वो जानते हैं क्यों और जगह पे सत्संग कब होगी लगभग होती रहती हैं ये एक दो महीने होते हैं जो बरसात की वजह से कहीं जाते नहीं अब मई जून में भी हम गए थे जुलाई में आप पूछ लीजिए पिछला इतिहास पढ़ लीजिए सच्चे सौदे का जुलाई में किधर भी नहीं जाते और आगे पीछे जाते रहते जुलाई अगस्त का महीना होता है कि बरसात हो जाती है या ऐसा वरना तो हमेशा ही जाते रहें और मालिक ने चाह राम ने चाहा जहाँ जहाँ वो ले जाएगा जरूर जाएंगे ले जाने वाला वो है हम तो कौन हैं करवाने वाला वो है ईश्वर की दया है वो रहमत करवाता है वो भगवान का नाम गवाता है हम गा देते हैं हम में क्या है कुछ भी नहीं पर गवाता वो है वो सब कुछ है तो उसी के उपासक हैं गुरु जी पर नाम ये जी न्यूज से है जी आ नाम शायद नहीं लिखा है मेरा सवाल है क्या यह हिंदू डेरा है क्योंकि पिछले दिनों डब कांड के बाद डेरा प्रवक्ता ने कहा था कि विवाद डेरा सिख नहीं हिंदू सिख का और सिखों ने हिंदुओं का हिंदुओं पर हमला किया है जी इन्होंने लिखा है ऐसा कहा है लेकिन बीच में किसी ने लिख रहा है ऐसा नहीं कहा इसी पर्ची में लिखा है कि ऐसा नहीं कहा बाकी जैसा आपको कहा अगर किसी ने ऐसा कहा है तो आप उस तस्वीर को देखिए जाके जांच कीजिए आपके सामने आएगा और यहाँ तक डेरा आश्रम किसका है आप खुद ही खड़े होकर निगाह मार लीजिए कौन किसका कौन कौन बैठा है आपको पता चल जाएगा या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म का साथ दिया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे सत्संग में आया करते हैं जैसे हिंदू धर्म की आबादी ज्यादा है तो नेचुरली आश्रम में भी मानने वाले सबसे ज्यादा हिंदू भाई हैं यहाँ लगभग पैंसठ से सत्तर परसेंट के करीब हिंदू भाई हैं जो यहाँ राम नाम गाते हैं बाकी सभी धर्मों के लोग टोटली यहां पे आते हैं और राम दो करोड़ करोड़ के करीब जो संगत है, तो उसमें सभी धर्मों के लोग आया करते हैं जी लिखा है संत जी दैनिक जागरण से पोशाक विवाद में समय को कितना दोषी मानते हो इसे भूल मानते हो या चूक यही बात हमने जब ये शुरू हुआ था तब भी कही थी इंटरव्यू भी लिया गया हमने अभी आपसे कहा कि हम तो दासों के दास हैं एक चौकीदार रात को आवाज देता है हम दिन दिहाड़ी आवाज देते हैं बुराइयों से बचो नशों से बचो तो जो हमारे गुरु साहबान है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री राम जी श्री कृष्ण जी जितने भी पीर पैगंबर अवतार गुरु सहवान हुए हैं उनकी नकल करना तो दूर हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते तो नकल कैसे करेंगे सवाल पैदा ही नहीं होता कि हमने कभी नकल की हो या किसी या इस तरह का कुछ सोचा हो आप खुद देख लीजिए हमारे पांच वो कड़ा या ये चीजें नहीं है या वो तलवार अब भी नहीं तीर कमान धारण किया हमने नहीं बाज हमारे हाथ में नहीं तो गुरु सहवानों का कैसे ऐसी पोशाकें हम पहले से भी पहनते रहे तब तो कभी किसी ने आगे नहीं पूछा क्यों पहनते हो अब पता नहीं क्यों पूछा क्यों क्यों का सवाल का जो बड़ा बड़ा सवाल है क्यों अब क्यों आप ढूंढिए ना आप सेवादार हैं समाज के आप भी बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं तो आप इस क्यों का जवाब शायद जरूर ढूंढ लाएंगे क्योंकि भोड़े बड़े फकीरों को इसका जवाब नहीं आता कि पहले क्यों नहीं और अब क्यों तो आप शायद समझ गए होंगे क्योंकि हमने कभी किसी की नकल नहीं की ये हम हंड्रेड परसेंट आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे हम किसी संत पीर पैगंबर के बराबर मानते ही नहीं हम तो चौकीदार सेवकों के सेवक कहते हैं तो हम किसी की नकल करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं हमारे लिए सभी धर्मों के संत पैगंबर भगवान स्वरूप हैं फिर शायद सुधीर आर्य जी हैं देन की जागरण से इन्होंने पूछा है वर्तमान संत जी वर्तमान विवाद का आपकी नजर में क्या समाधान है आ, कोई भी जो विवाद होता है हमारे ख्याल से हमारे नजरिए से उसका हल वही जो हमने पहले बताया कि कोई भी इंसान को कोई गलतफहमी किसी भी तरह की कोई उकसाहट है तो वो एक टेबल पे बैठ जाएं दोनों तरफ से पक्ष और उसको हल करें तो बैठ के हल करवाने में अगर आप लोग भूमिका निभाएं तो शायद आ, देश में जय जयकार हो जाए पहल कीजिए आपके चैनल आपकी पत्रकारिता की और वास्तव में लोग कहें वास्तव में ये जोड़ने वाले हैं वास्तव में आप आगे बढ़िए बढ़ाइए कदम क्योंकि इधर से आपको कहा कि आप जैसे उधर से कोई प्रबंधक सज्जन आते हैं बैठ के इधर से प्रबंधक सज्जन आप बीच में मीडिया का रोल अदा करें मीडिया वैसे भी आप कहलाते हैं तो मीडिया का रोल अदा करें और इस एक टेबल पे बैठ के ये हल किया जा सकता है कोई भी विवाद ऐसा नहीं हुआ आज तक आखिर रिजल्ट यही होता है कि एक आमने सामने बैठ के धर्म का अर्थ क्या है शायद इसका जवाब हमने आपको दे दिया धर्म का मतलब धारण करना है तोड़ना नहीं जोड़ना है संत की परिभाषा क्या है संत की परिभाषा बहुत बड़ी है पर छोटे शब्दों में बताएं तो संत वही होता है संत न छोड़े संत मई चाहे लाखों मिले असंत चाहे उनको कोई बुरा कहे चाहे उन पर कुफर तोले चाहे उनको कोई गलत बोले पर संतों का हाथ हमेशा दुआ के लिए उठता था उठता है और उठता ही रहेगा कि मालिक सबको सद्बुद्धि दे नेक ख्याल दे ताकि सब लोग प्यार मोहब्बत का जीवन जी सके और आज के युग में सच्चा संत कौन है इस बारे में एक साधक बता सकता है सच्चा संत कौन है जो राम नाम का पुजारी हो राम नाम से जोड़ता हो और अल्लाह मालिक की चर्चा करता हो गवाता हो गाता हो और हर किसी को मालिक से जोड़ता हो और जो कभी किसी से मांगता ना हो मालिक के नाम पे कबीर जी ने लिखा मांगन मरण समान है मत कोई मांगो भीख मांगन से मरना भला ये सदगुरु की सीख कर्म जोगी अगर संत खुद कर्म जोगी नहीं होगा तो दूसरों को कैसे कहेगा कि कर्म करके खाओ तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी पे जो पक्का है वही सच्चा फकीर है जी तो ये है आप लगा के देखिए तो सवाल शायद इतने एक बार जो आए वो पूरे हो गए और पूछना चाहें आपका स्वागत जितना आपकी इच्छा है आप पूछ सकते हैं और सात संगत भी अगर कोई पूछना चाहती है तो आपका स्वागत है जी तो सवाल आए हैं लेकिन थोड़ा सा साथ साथ भजन का तालमेल भी बढ़ा लें कहीं आज सत्संग सवालों पर ना हो जाए सारी थोड़ा सा बीच बीच में जी ऐसे दुर्लभ जन्म को भाई देवी देवते तरसे जल्दी से ये हाथ आए लगे बेअंत ही बरसे दुर्लभ जन्म मिला है और इसके लिए देवी देवता स्मरण करते हैं कबीर साहब जी लिखते हैं कबीर साहब की वाणी के अनुसार इस देही को सिमर देव सो देही की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो मांस जन्म का आवागमन से मोक्ष मुक्ति का रास्ता किसी शरीर में से होके जाता है तो वो है मनुष्य का शरीर इसके लिए देवी देवता भी जानते हैं कि मनुष्य शरीर में मुक्ति संभव है तो वो भी इसके लिए स्मरण करते हैं तो भाई वो सुमरण करते हैं आपको शरीर मिल गया तो इसमें आप राम नाम का सुमरण कीजिए भक्ति इबादत कीजिए ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे माला माल हो जाए और आप उसकी दया में रहमत से वो सब कुछ हासिल कर सकें जिसे परमानंद या परम शांति कहते हैं जी तो इस बारे में आगे आया है जी जन्म तो तूने बड़े हैं पाए पर ये जन्म सरदार घर को भूला काम को भूला धोता काल बगा इस बारे में लिखा बताया है जी नाम के नाम मिलने करके मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है और इसमें जो काम सिद्ध करना था उससे जीव खाली रह जाता है गुरबाणी बताती है कि गुरु मंत्र से खाली जो पुरुष हैं उनका जन्म भ्रष्ट है कुत्ते की तरह भोंक भोंक कर मरते हैं सूर की तरह विषयों के विष्टे का आहार करते हैं गधे की तरह दुनिया का भार ढो ढो कर मर जाते हैं वो सांप की तरह विष घोलते रहते हैं हीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म कृष्ण कुकुरकुर गर्दबै तुल तो आपने सुना कि जो ईश्वर के नाम के बिना है उसका जन्म एक तरह से व्यर्थ जा रहा है घर को भूला काम को भूला ढोता बगार। घर भूल गया काम धंधा भूल गया काल बगार में लगा हुआ है विषय विकार में खोया हुआ है जी तो फिर से कुछ सवाल आए हैं जी तो फिर से आपके सीओ अर्ज करते हैं जी डॉक्टर बंसल हैं जी हिंदुस्तान शायद टाइम से है डेरा सच्चा सौदा व सिख समुदाय के बीच विवाद की जड़ क्या है उसका अंत कब होगा आपसे फिर गुजारिश कि ऐसा आपसे प्रार्थना है जी सिख समुदाय शब्द की बजाय आप लिखें कि जो विवाद चला रहे हैं या विवाद कर रहे हैं इस बात के लिए तो क्या इसकी जड़ क्या है और इसका अंत कब होगा अपने यही चाहते हैं कि शीघ्र सिग, ऐसा अंत हो निपटारा हो इस चीज़ का क्योंकि सभी लोग इससे परेशान होते हैं हर कॉमन मैन को भी इससे परेशान है लेकिन आश्रम की तरफ से ऐसा किसी को कभी कोई परेशान नहीं किया जाता अपना राम नाम का जाप किया जाता है अपने घरों में बैठ के अपने परिवारों में बैठ के अगर राम नाम गुना है तो आप ज़रूर बताइएगा उसको बंद किया जा सके लेकिन और कोई ऐसी चीज़ नहीं है और अंत आपसे कहा कि यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो पाए अच्छी बात है और आपसे कहा भी है जी सीवी सिंह इंडिया एक्सप्रेस से क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे जी हमने आपसे पहले कहा जी राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना पहले कभी हमने किसी से कुछ कहा और ना अब कह रहे हैं जी सुशील मानव जी हैं जी स्टाफ रिपोर्टर दिन से जब से डेरा सच्चा सौदा का विवाद हुआ आप कभी मीडिया के साथ रूबरू होने की जरूरत नहीं समझी जी आपसे पहले भी कहा कि हमने कभी किसी को नहीं रोका हमारे पास जो भी सज्जन आते रहे बात करते रहे चर्चा होती रही यहाँ तक हमें याद आता है भूपेंद्र जी शायद ऐसा नाम था ख्याल में नहीं काफ़ी बार हमसे मिल के गए हैं बात होती रही है चर्चा होती रही है काफ़ी सज्जन यहाँ पे आते रहे हैं ऐसा नहीं है कि ऐसा किया गया इन्होंने लिखा वर्तमान विवाद का हल क्या है जी आप इसके हल के हेतु क्या कोई पहल करेंगे जी आपसे कहा कि इधर से जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनको आप यहाँ कहीं टेबल पर बैठाने को तैयार हैं पहले से ही पहले दिन से यकीन मानिए आपको दावे से कह रहे हैं ऐसे झूठ फकीर को कहने से कुछ मिलता नहीं पहले दिन से भी और आज भी और हमेशा चाहते हैं कि जितना जल्दी ऐसा हो सके लेकिन बीच में जो आता है वो बात कुछ और कर जाता है आज तक जितने भाई आए कोई कुछ कह जाता इधर कुछ कह गया उधर कुछ कह गया और बात बन नहीं पाई तो आप में ऐसा अगर कर पाएं तो बहुत ही अच्छी बात है मानवता कल्याण की चर्चा के बीच आर पार की लड़ाई की भाषा पता नहीं जी ये आर पार की लड़ाई किसने बोला है हमने तो कभी जिंदगी में ऐसा शब्द नहीं बोला कि आर या पार नहीं हम तो एक ही कहते राम का नाम जपो और सबसे प्यार ना कि आर पार तो अगर कोई ऐसा कहता है अजीब सा लगा हम तो हमेशा कहते हैं कि प्यार मोहब्बत एक ही चीज है जो हमारे धर्म कहते हैं वही आपसे हम कह रहे हैं जी इन्होंने लिखा है जी कि सत्संगी भाई हैं बाल मुकंद जी हैं कहते हैं जी सात संगत बैठी होती है उन पे घोर अत्याचार ढाए जा रहे हैं सात संगत घर में बैठ के भी राम नाम नहीं ले पाती और लोगों के नशे छुड़वाना चाहते हैं वो नहीं छुड़वा पाते आ, मदद करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते तो ऐसे में हम क्या करें तो आप राम का नाम गाएं प्रभु की भक्ति करें उसको मंजूर होगा वो अपने आप करवा लेगा यहां तक इन्होंने लिखा जी इस जो न्यायालय में हुआ है इसकी चुनौती देंगे क्या करेंगे जी हमें इस बारे में ख्याल में नहीं है वकील साहबान इस बारे में बेहतर जानते होंगे क्योंकि हमें तो इस बारे में ऐसा कभी चर्चा नहीं की है तो आप यहाँ जो वकील सज्जन हैं उनसे बात कर सकते हैं क्या उनका ख्याल है क्या उनका विचार है इस बारे में हकीकत है जो हकीकत हमें है सीधे साधे हैं भाई कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कोई डिग्रियाँ हासिल नहीं की हुई तो जैसा ख्याल में आ रहा है वैसा आपको जवाब दे रहे हैं तो ये हकीकत है जो आपसे चर्चा कर रहे हैं जी तो ये तो वही जाने उनके बारे में जिनकी डूठियाँ हैं लगन से सुमरन कैसे होता है जी कई कहते हैं चार वर्ष में दुनिया तबाह हो जाए क्या ये सच है पता नहीं किसी को क्या मिलता है उन्नीस से दुनिया तबाह करने लगे हुए हैं यहाँ तक हमें पता है कभी कोई कर देता है कभी कोई कर देता है हुई तो है नहीं ना हो यही मालिक से दुआ है क्योंकि फ़कीर जिंदगी मांगते हैं किसी की लेने के लिए दुआ नहीं करते तो भाई ये आप अजीब सी बात है हम गुजरात में भूकंप पीड़ितों के पास गए हुए थे शायद तीस जनवरी को लगभग पाँच छः हजार लोग साथ थे तो वहाँ के लोग भाग रहे थे वो संतों को शायद बापू बोलते हैं हमने कहा भाग क्यों रहे कहते बाबू भूकंप आएगा हमने कहा किसने बोला कहते पता नहीं रेडियो पे पता नहीं किस पे खबर आई है कि भूकंप आएगा तो हमने कहा अब जो भूकंप आया सो उससे पहले खबर आई थी क्या भूकंप आएगा कहते नहीं आई तो जब पहले किसी को पता नहीं चला अब कैसे चल गया कहते हाँ ये तो सही है तो लोग रुक गए थे बहुत जगहों पर ये बात हुई सो कहने का मतलब इस फालतू की टेंशन में ना पड़े जी और इन्होंने लिखा कि सत्संगी परहेज तोड़ता है तो उसको परेशानी आ जाती है लेकिन जो राम नाम रोकता है उसको क्यों नहीं आती मालिक का काम है जी हम क्यों किसी को इस बारे में कहें कुछ वो जाने उसका काम जाने राजेंद्र सिंह जी हैं जी, जी ये अब का समय ईर्ष्या द्वेष से भरा है चारों और दंगे प्रसाद बुराइयां हैं इस समय को आप रूहानियत के नजरिए से क्या कहेंगे दुनिया को क्या संदेश देंगे राजेंद्र सिंह आ, अभी जो समय चल रहा है ये हमारे धर्मशास्त्र बता चुके हैं ये कलयुग नेगेटिव पावर का टाइम यहाँ बुराइयों का बोलबाला है और ऐसे समय में एक ही संदेश है कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं सिर्फ पहनावे तक मत जाइए उस धर्म में लिखे गुरु महापुरुष संत पीर पैगम्बरों के पवित्र वचनों को पढ़ के अमल कीजिए तो यकीन मानिए जो भी हमारे सभी धर्मों में लिखा है वो आप एक आदमी ले सकते हैं जी डेरा निस्वार्थ सेवा करता है फिर भी स्थानीय कुछ लोग कुछ लोग आपसे क्यों नाराज हैं क्या करना चाहे वे किसी भी समुदाय से हो डॉक्टर गुलाब सिंह जी और अमर सिंह जी जी ये हमें भी समझ नहीं आता क्योंकि सरसा में बाढ़ का पानी आने लगा और सेना उस पानी को रोकने लगी लेकिन सेना से पानी नहीं रुका और ये लगा कि सेना का जो एयर स्टेशन है वो खाली करने को तैयार हो गए कुछ पता चला हमें कि सेवादार ने आगे बताया तो हम यहां पीटर था या गाड़ी थी जीप थी हम उसमें बैठे और साथ में यहाँ पांच छह सौ लोग थे सबको लेके बांध पे चले गए हालांकि उस समय के जो एसपी साहब थे डीएसपी थे हमें रोका गुरुजी आप मत जाओ हम कोई गारंटी नहीं लेते आपकी जिंदगी की वहां कोई नहीं जाता तो हम उस बांध पे खड़े होके उस बांध को बंधवाया था शायद सरसा निवासियों को याद होगा पास ऊपर खड़े हो गए हम अपनी मान बढ़ाई नहीं प्रभु करवाता है वरना कौन जाता ऐसे जगह पे फिर पानी भर गया एक बार हम बाहर गए हुए तो आए उसी दिन और पानी भरा हुआ था शहर में तो यहाँ के पांच ट्रैक्टर भी पानी भर के खराब हो गए लेकिन लगे रहे लोगों के घरों में पानी पिलाने में उनका सामान निकालने में फिर भी अगर लोग नाराज हैं तो आप बताइए कोई युक्ति जिससे हम उन्हें खुश कर लें क्योंकि अपना तो काम सबका भला मांगना भला करना और भला चाहना है और यकीन मानिए हमेशा इसी काम में लगे थे लगे हैं और लगे रहेंगे जी यही हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया यही हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है तो मानवता की भलाई इंसानियत के नाते सेवा करते हैं जी उसी में लगे हुए हैं डेरे के साथ जो विवाद है उसको हल करने में में अब तक मीडिया या किसी कमेटी से बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? जी कमेटी के लोग हमसे मिलके गए हैं चार धर्मों के लोग मिलके गए उन्होंने माना उन्होंने हमारी ड्रेस को देखा देखा तो वो टोपी थी उन्होंने माथे पे हाथ मारा यूं हमें ये पता नहीं कौन से धर्मों के लोग ख्याल में नहीं है जो धर्म गुरु आए थे यहाँ पे तो उन्होंने यूं हाथ मारा गुरु जी हमें तो पगड़ी बताया गया ये तो टोपी है कमाल हो गई फिर उन्होंने बेल्ट देखा कहते ये तो कमर कसा बताया गया ये तो बेल्ट है इसकी तो हुक लगी हुई है उन्होंने खुद अपनी जो से फिर बहुत कुछ बोला कि और ये भी कहा गुरु जी ये बाहर मत कहना तो हम उनका बाहर नहीं कहना चाहते उन्होंने जो जो कुछ कहा ये सब कुछ देख के तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था जी और हमें मिले हैं उसके बाद शांति कमेटी है उसकी मीटिंग हमसे हुई है आपको कहा बहुत लोग आए हैं हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं जी आपको 100 परसेंट सच कह रहे हैं जो हमसे मिल मिल के गए हैं फिक्र मत करो गुरु जी हम बीच में पढ़ते हैं अभी ठीक कर देंगे तभी ठीक कर देंगे अभी बीच में पढ़ के बात ही सीधी आप तो बिल्कुल तैयार हो हमने कहा हाँ जी तो कहते ले फिर तो बात ही कुछ नहीं लेकिन आज तक वो आए नहीं बाद में तो बताओ हम क्या करें अब आपसे भी कह रहे हैं देखिए शायद आप कुछ करें देखिए अभी तो कमेटियां इतनी देखो कितनी कमेटियां खड़ी हैं बैठी हैं तो ये कमेटी से कम है क्या पूरे देश का मीडिया लगता है खड़ा है यहाँ पे तो आपसे भी कह रहे हैं कि आप यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं और वहां के नुमाइंदे हैं एक टेबल पे बिठा लीजिए और जैसा भी चाहिए आप कीजिए ताकि मानवता का भला हो पर जरूर दोनों तरफ से देखिएगा गुजारिश ये आपसे हाथ जोड़ के है विनती है कि देखिए जरूर दोनों तरफ दोनों पहलुओं को देखिए सिक्के का सिर्फ एक पहलू ना देखिए ना इधर का सिर्फ ना उधर का दोनों को देख के फिर जो आपको लगे और आप बताइए तो आपसे गुजारिश ऐसा नहीं कि हमसे बहुत मिले हैं जी आ, भाई लोग बहुत आए हैं मिलके गए हैं पर आपको जैसे बताया हुआ यही है कि बाद में नहीं आए सिर्फ एक बार आए हैं तो आगे है जी भजन अगली सवाल ये थे हो गए और है तो और भेज दीजिए ताकि आप कल को ये ना कि गुरु जी जवाब ही नहीं देते जैसा ख्याल आएगा जैसी में आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो गुरु साहबानों ने कहा है वो तो महापुरुष है लेकिन एक फकीर के अंदर भी तो भगवान ही ख्याल देता है तो जैसा ख्याल आएगा हाँ काफी आ गए हैं सवाल तो अच्छी बात है आ रहे हैं तो सात जी आप बुरा ना मानिए हालांकि लाखों की तादाद में सात आई है तो आज इस पर ही सत्संग चलने देते हैं क्यों आपका क्या ख्याल है आप हाथ खड़ा करके बताइए क्या आप ये चाहते हैं जी सारी सात संगत के हाथ खड़े तो फिर क्यों नहीं जी तो सवालों का जवाब देते चलेंगे थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते चलेंगे जी अच्छा काम तुझे भाता ना बुरे काम है करता अपने लिए कर्मों का फल दुख नरकों में भरता कि जैसा कोई कर्म करता है एक दिन भरता जरूर है जैसा बोता है वैसा काटता जरूर है ये हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है तो भाई बुरे कर्म ना करो ताकि आने वाले टाइम में आपको बुरा बुराई का सामना ना करना पड़े पर मालिक के जो प्यारे हैं मालिक के जो भक्त हैं उसके लिए एक दोहा हमारे हिंदू महापुरुषों ने लिखा है जो तेरे लिए कांटे बोए तो ही बोई तू फूल जो तेरे लिए कांटे बोए तो ही बोई तू फूल वही फूल का फूल है बांको है त्रिशूल सो so, प्यार मोहब्बत की राह पे चलना अति जरूरी इस बारे में लिखा बताया है हर एक ये कर्म का असर हमारे जीवन के अंदर लिखा जाता है हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहाँ कोई वकील काम नहीं कर सकता हर एक, एक किए कर्मों के अनुसार इंसाफ किया जाता है ना उस फैसले की कोई अपील हो सकती है ना मुजरम की रिहाई अगर कोई पापों में प्रवृत्त रहा है तो उसको किसी ऐसे तबके में जिसको नरक ज दोज कहा जाता है भेजा जाता है जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है यही धर्म है यही शास्त्रों का कहना है तो फिर से सवालों पे आते हैं जी ये कैथ जी हैं ट्वेंटी आवर न्यूज से शायद इन्होंने लिखा है ट्वेंटी फोर तो पंजाब में नाम चर्चा कई जगहों पे नहीं करने दी जा रही क्या आप केंद्र सरकार से इस बारे में कोई अपील कर रहे हैं जी वास्तव में अगर सच्चाई सच्ची बात कहें तो ये सारा मैनेजमेंट ही करता है इस बारे में हम तो सिर्फ राम नाम गाते हैं फिर भी अब किसी कोई राम नाम गा रहा है राम चर्चा या नाम चर्चा उसे कहा जाता है नाम चर्चा क्या है ओम हरि अल्लाह वाहि गुरु गौड खुदा रब के गुणगान गाना ताकि घरों में रहता आदमी जब दुनियादारी में में भौतिकतावादर् तो से मालिक, से दिन, दिन मालिक के लेखे में कुछ टाइम तो लगे तो वाकई आप जो कह रहे हैं ये होना तो चाहिए हम तो सबसे अपील करते हैं कि इसको रोकना नहीं चाहिए राम नाम को आ, ये तो एक शायद कानूनी अधिकार भी है यहां तक हमें बताया गया आ, हर किसी का कि ये धर्म को मानना तो ये हम तो हर किसी से अपील करते हैं जो भी आ, ये सही कर सकता है कौन कर सकता है ये आप लोग शायद बेहतर जानते होंगे पर हम तो अपील करते हैं कि राम नाम की चर्चा कभी कहीं भी किसी भी धर्म में बंद ना करवाई जाए बल्कि उसको चलवाया जाए ताकि लोग आ, इंसान बने रहें नेक बने रहें सात संगत से गुजारिश है बैठे रहिए बीच में सत्संग भी करते रहेंगे आप शायद सत्संग के शौकीन हैं तो बैठे रहिए बीच बीच में करते रहेंगे उठ के जाने लगे कुछ भाई हाँ बैठ गए बैठ जाइए बैठ जाइए कोई बात नहीं आपने कहा कि के साथ विवाद नहीं है तो यह विवाद किसके साथ है आप किन लोगों को टेबल बात करने के लिए कह रहे हैं ये है जी चौधरी साहु जी आ, कौन हैं वो लोग क्या नाम दें उनको ये समझ से परे है क्योंकि सिख समुदाय से तो सवाल पैदा नहीं होता अगर है तो फिर यह सिख क्यों बैठे हैं आप देख लीजिए मार के देखिए कितने बैठे हुए हैं सिख समुदाय से कोई वैर विरोध नहीं है जब हम हिंदू धर्म के संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों का सत्कार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं ऐसे सिख गुरु साहबान हुए उनका बेहद आदर करते हैं और उनके कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं पूरी कोशिश ऐसे इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब हुए उनके अनुसार चलते हैं तो ये लोग कौन है अजी, आप पूछ रहे हैं आपको सब पता है यकीन मानिए बुरा ना मानिए वैसे पता होगा शायद आपको अकेलों का ना हो वैसे ज्यादातर तो पता होगा ही कि वो लोग कौन है क्यों ऐसा कर रहे हैं बातें तो बहुत उड़ती हैं वो फलाएं है, फलाएं लेकिन पता नहीं कौन है लेकिन आ, कुछ कहा नहीं जा सकता शायद अच्छाई नेकी की जिनको भाती नहीं वो लोग हैं तो आप कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी निगाह तो बहुत जगह पे रहती है तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए और इधर से जो है वो आपके सामने है जो इधर वाला पक्ष है यहाँ के जो आश्रम के जितने भी सदस्य है, है। तो हैं मैनेजमेंट तो है समाचार पत्रों ने जो दृश्य दिखाए उनमें शरारती तत्व तांडव कर रहे थे जबकि उन्होंने नीचे डेरा समर्थक लिखा था क्या ये इसका मीडिया जवाब देगी किसी भाई ने पूछा है परवीन जी आ, हमारा तो इसके पास क्या सवाल का जवाब ना हम अखबार पढ़ते हैं हकीकत 100 परसेंट सच ना हम टीवी देखते हैं ना हमने वो न्यूज देखी है जिसके नीचे लिखा था कि नहीं लिखा था हमें इस बारे में नहीं पता आप पूछना चाहें मीडिया आपका भाईचारा है आप पूछ सकते हैं जो भी सज्जन ये कह रहे हैं वो इनसे पूछिए भाई आ, हमारा तो इसमें बीच में कुछ लेना देना नहीं है आप पूछ सकते हैं भाई लोग बैठे हैं आपका ऐतिहासिक डेरा घुका में जला दिया डब में प्रेमियों की दुकानें जलाई गई इसके बारे में आपका क्या कहना है जगदीश आ, बड़ा ही दुखद है बेअंत दुखद हमारे पूजनी गुरु जी जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया बेप्रभा मस्ताना जी महाराज उन्होंने शायद फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी के टाइम में शायद उस टाइम में या फिफ्टी टू में या आश्रम या फिफ्टी फोर में बनाया हमें ख्याल में नहीं आश्रम बनाया गया और इस आश्रम में हमारे गुरु जी मुर्शिद कामिल सदगुरु शास्त्र जी महाराज ने नाम लिया था और इनका नाम रखा गया था शास्त्र जी तो हमारे लिए बहुत ही महत्व है ऐतिहासिक है और बहुत ही दुखद है ऐसा हुआ है जिन्होंने ऐसा किया है कि शायद मन के कहने आके शायद उनका नफरत शैतान उनके ऊपर हावी हो गया तो मालिक की यही दुआ है कि उनको सदबुद्धि दे और आश्रम मालिक से यही दुआ करेंगे कि वो फिर से वैसा बनवाए ताकि और कोई हमने क्या झगड़े से लेना क्या किसी से कुछ लेना देना है दुख जुड़े और जो दुकानें जलाई गई इसके बारे में डबवाली के एक सज्जन हमसे मिले हमें नाम ख्याल में नहीं है काफी लोग बैठे हुए थे वो चर्चा कर रहे थे वो कहता गुरु जब उन्नीस के दंगे हुए मैं पंद्रह साल का था मैंने वो भी देखे हैं और अब जो दुकानें जलाई गई मैंने वो भी देखी हैं पर कहता मेरा रोम रोम सिहर उठा सैतालीस में तो इतना कुछ हुआ ही नहीं जितना इस बार मैंने देखा है इतना बुरी तरह से पैसों को लूटा गया और इतनी बुरी तरह से जला गेहूं में भी तेल डाल के आग लगा दी और वो लोगों के पास सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा है खाने के लिए गेहूं के भी एक किलो अनाज नहीं है पैसा तो दूर की बात तो उस आदमी ने बताया कि ऐसा तांडव वहां पे हुआ जी तो ये दुखद है जी इस बारे में हम यही कहेंगे बेहद दुखद है और मालिक से यही दुआ है कि मालिक सबको सदबुद्धि बख्शे अजय सिंह कहा चंडीगढ़ से हैं शायद। दो तो चार पगतीकरण गरीबी दूर होंगी है पर महंगाई दूर नहीं होंगी इसलिए की किया जाए कम नाम जपन गरीबी तो दूर होगी लेकिन जीडी महंगाई है दूर नहीं हो रही की किया जाए सानू तो पता नहीं भाई इस बारे की किया जाए असा तो मालिका के, के अरदस ही करने वाले हैं इस लिए भी मालिका की अरदस करा कि हे परमात्मा रहमत कर ये जी चीजा बद रही हैं इन्हों को घटा हो नहीं बाकी कुछ जान जान। जो कुछ तुझ जानते हो तुझी जा सू तो इन्ना कौन है फकीर जो आता है वो असी करता ये जी लिखा है डेरा सभी धर्मों का समान आदर करता है पर आपके आसन पर सभी धर्मों के पवित्र चिन्ह है क्या या सभी धर्मों का अपमान नहीं वाह क्या चीज पकड़ी आपने कमाल कर दी आपकी निगाह वहां नहीं गई कि सारे लोग एक जगह बैठ के राम राम गा सकते हैं एक ही जगह बैठ के अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम ले सकते हैं उधर निगाह नहीं गई इतने लोग आज तक ये कहावत मशहूर थी बिच मसीते जाके सिख वाहिगुरु नहीं बुला सकता बिच गुरुद्वारे आके मिया सलामी एकम नहीं गा सकता। बिच मंदर दे आके ईसाई नहीं गा सकता, और गिरजा दे जाके राम राम नहीं गा सकता। पर ओ राम दी ऐसी कृपा हुई इक्के जगह सारे बैठ के राम राम गा रहे उधर ख्याल नहीं कि हैरानी की गल और बेअद भी नहीं की अगर कितने उन्होंने निशान लाया असी कह के, के निशान नहीं लवाए सा पवित्र ग्रंथा से भी आ निशान लगे लग हुए हैं शायद तो नजर नहीं आया भी देख लो आ लगे लग हुए और विचारे धर्मां निशान हैं अब ला के रखते हैं इदा गल नहीं तो परम क्यों पै गया यह परम बहुत पेंदे कई बार वैसे चलो निकल भी जाने चाहिए जी अच्छी गल है सो हमारा कहने का मतलब हम किसी की भी बेअदबी ना करनी सीखी है ना करनी चाहते हैं अगर ऐसा कुछ आपको लगता है ये चीज ऐसा हुआ तो ये शायद अनजाने में सेवादारों से तो उनसे गुजारिश है कि आगे से ये भी ख्याल रखिएगा आपसे विनती है गुजारिश तो हमारा तो हर जगह सत्कार सिर्फ इसलिए कि हम सर्वधर्म को मानते हैं उनको सत्कार करते हैं दिल से लगा के रखते हैं प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं जी और हम सभी धर्मों का वो तो बात हो ही चुकी है जी कि सत्कार करते हैं सभी धर्मों के अनुसार चलते हैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ ना कभी कुछ बोला ना कभी बोलते हैं जी जी ये शायद सवाल हो चुके हैं पहले वाले सवाल पड़े हैं हाँ जी तो सवाल हो चुके हैं और सवाल अगर आप भेजना चाहें स्वागत आपका जितने भी सवाल आप चाहेंगे जी आपका सत्कार है इज्जत है आप सबका बहुत 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 ही खुशी है कि आप इतनी सात संगत जो लाखों में आई है उनको भी पता चल रहा है कि आ, हकीकत क्या है और क्या होना चाहिए क्या पूछना चाहिए और क्या कहना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है सब लोग प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ रहे हैं बड़ी ही है खुशी की बात तो अब आते हैं सत्संग पे क्योंकि सवाल यहाँ पे नहीं है अच्छा काम तुझे भाता ना बुरे काम है करता अपने लिए कर्मों का फल थुक नगर को में भरता माया पीछे दौड़ा फिरता क्यों धोखे में आए पापों बिना इकट्ठी मरते साथ न जाए संसार में ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम हैं पैसे के लिए दौड़ते हैं पैसे के लिए भागते हैं दिन रात एक किए हुए हैं पैसा इस तरह से बढ़ रहा है कि आदमी भूलता जा रहा है सब कुछ हमारे हिंदू महापुरुषों ने एक जगह पे फरमाया ऐसा टाइम आएगा ऐसा समय आएगा कलयुग में जब ज्यादातर लोगों का दीन ईमान मजहब बन जाएगा रुपया पैसा धर्म को मानने वाले भी तब होंगे लेकिन उनकी बात शायद कम सुनी जाया करेगी तो ऐसा महापुरुषों ने लिखा तो पैसा कमाओ हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करके कमाओ इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ सिख गुरु साहबान कहते हैं दशा नुआ किर्त करो और इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करके खाओ भाषा जरूर जुदा है अलग है लेकिन सबका मतलब एक ही है कि हमारा मालिक एक है हम सब एक हैं और हमारा कार्य मेहनत की करके खाना चाहे दिमागी तौर पे या शरीर लेकिन दिमागी तौर पे ठगी बेईमानी नहीं क्योंकि आदमी कहे कि दिमाग उसमें भी लगता है नहीं अच्छे कर्मों में दिमागी तौर पर खाएं या शरीर की मेहनत करके खाएं तो मालिक से दुआ है कि मालिक आपको में रहमत से नवाजे जी तो थोड़ा सा भजन रह रहा है और आपके सवालत हैं सार संगत के या पत्रकार सज्जन जो भाई बहन आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आप जो भी पूछना चाहेंगे बताएंगे पर थोड़ा सा भजन उसके बाद इस बारे में जो लिखा है माया के बारे में थोड़ा सुन ले और फिर ये थोड़ा सा भजन फिर ये सवाल आपके जवाब जरूर देंगे जी हाँ जी बोलिए परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं पापों बिना ना होती इकट्ठी वो भी जाती साथ नहीं बंदा जीते ये जी� समझे आना कभी भी काल नहीं धिया पुत्र कुटुम कबीला ये सब यहाँ ही रह जाना आस उम्मीदों का ये मंदिर एक क्षण के अंदर गिर जाना जिसको तू अपना समझे ये तो सब कुछ तेरा नहीं कहें शासतनाम जी ज्ञान के बिना होता कभी सवेरा नहीं सच है हमारे हर धर्म शास्त्र जितने भी पवित्र ग्रंथ वेद शास्त्र पवित्र गीता रामायण पवित्र कुरान शरीफ कुरान मस्जिद पवित्र गुरुवाणी पवित्र बाइबल सूफी संतों की बाणी हमने जो पढ़ा उनका एक, एक अक्षर सच नजर आया और सच था और सच ही रहेगा लेकिन उसको सुन के अमल किया जाए उसका अर्थ उस तरह से निकाला जाए जिस अर्थ के लिए गुरु महापुरुषों ने उस वाणी को लिखा है जी तो थोड़ा सा भजन फिर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं हाँ जी चलिए भाई जपलोरे प्यारे नाम प्रभु का जपलोरे रे प्यारे नाम प्र प्रभु का जपलोरे जप प्यारे नाम प्रभु का जपलोरे जन्म गया दि जन्म गया फिर या तिना आए पिले न बारंबार रे प्यारे नाम प्रभु का लो रे मन के पीछे लगकर भाई अपना जन्म मंगवाए मन के पीछे लगकर भाई अपना जन्म के आखिर में आया मन के पीछे लगकर भाई अपना जन्म गवाए मित्र ना ही दुश्मन पूरा क्यों धोखे में आए मन क्या है मन किसे कहते हैं आदमी के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है वो है मन और आदमी के दिमाग को जो पॉजिटिव अच्छे विचार देता है भले विचार देता है वो है आत्मा की आवाज हिंदू धर्म में इस मन को मन राम और इस्लाम धर्म में इसको मन को नफज कहा है आदमी के बुरे ख्यालों का प्रतीक तो जो मन के पीछे चलता है वो दुख सहता है मन से लड़ना कैसे है अपने अंदर के बुरे विचारों से कैसे लड़ना है राम का नाम थोड़ा सा टाइम आप पंद्रह मिनट सुमर करके देखिए सिर्फ पंद्रह मिनट तो कोई ज्यादा नहीं पंद्रह मिनट सुबह सवेरे जब भी आप कर सकते हैं पंद्रह मिनट राम नाम का सुमरन एकाग्रता से और यकीन मानिए कुछ दिनों में ही आपके अंदर आपको शक्ति आएगी जो आपके विचारों पर कंट्रोल करना शुरू कर देगी जी तो कुछ सवालत तो और आए हैं जी साथ, साथ चर्चा करते चलते हैं प्रेमी जीतू जी हैं प्रीतनगर सरसा से तो ये कह रहे हैं मीडिया से हम पूछे नहीं आप पूछिए जी आपका सवाल है आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं लेकिन हम तो सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं आपसे गुजारिश यही है भाई हैं ये प्रेमी जीतु जी सरसा से हैं हाँ जी ये उन्हें दीजिए सुधीर आर्य दैनिक जागरण वर्तमान विवाद में सरकार व प्रशासन की भूमिका आपको कैसी लगती है इस बारे में हमें जो कुछ बताया वो यही कि उतना लोग नहीं थे जो कि कंट्रोल कर पाए या कुछ ऐसी बातें सामने आई बाकी अगर पूरी बात आप पूछना चाहें तो यहाँ तक हमारा ख्याल है वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसी को पता है इस बारे में पूर्णतः हकीकत क्योंकि हमने इस बारे में नहीं कहा क्या है लेकिन ये जरूर है कि ऐसा आया कि कोई उन्हें रोक नहीं पाया ये चर्चा जरूर हुई है लेकिन कैसे हुआ किस तरह से हुआ वो आप मैनेजमेंट कमेटी से पूछें तो बहुत ही बेहतर है जी कपिल पंजाब के श्री सिंह हैं जी इन्होंने लिखा अठाईस जुलाई तक गिरफ्तारी ना होने पर डेरा की ओर से करो या मरो की नीति अपनाने की घोषणा की गई है जी हमें इस बारे में कोई आ, पता नहीं है फिर भी हम इस बारे में पता करेंगे हमसे पूछ के या हमसे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यों कहा गया ऐसा किस लिए कहा गया पहले अगर आपने कहा है तो अगर किसी ने कहा है हम उनसे पूछेंगे किस लिए ऐसा कहा गया है जी किसने कहा है हमारे ख्याल में नहीं है और पूछेंगे इस बारे में डेरा प्रवक्ता का कहना है कि विवाद की वजह अकाली दल और सुखवीर बादल है क्या आप इससे सहमत हैं आपसे कहा था जी इस बारे में सास संगत को पता है पूर्ण थे जो वहां की सास संगत है रहने वाले लोग हैं या जो मैनेजमेंट कमेटी इस बारे में ख्याल रखती है आप उनसे पूछिए वो बेहतर जानते हैं जो वहां रहते हैं हम यहां से बैठ के कैसे कह सकते हैं किस तरह से किसी को कोई को बात कह सकते हैं लेकिन जो हमेशा विचरते हैं उनमें रहते हैं आप उनसे बात कीजिए जी ये आदित्य जी थे जी न्यूज से इंद्र मोहन शर्मा है दैनिक भास्कर से जी इन्होंने भी वही बात कही है कि कोई एक्शन कमेटी ने ऐसा कुछ कहा है तो जी जरूर इसमें चर्चा हमारा तो हमेशा सबको यही संदेश आपके सामने अब भी दे रहे हैं कि आपस में प्रेम करना है और जो एक्शन कमेटी का आपने लिखा है कौन है कैसा है उस बारे में आप बताइए जी तो हम जरूर उसके बारे में पता करते कि ऐसा किसने किस तरह से कहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई शिक्षा देते हैं क्यों कहा है इसकी क्या वजह रही है वो भी जरूर पूछना चाहेंगे अगर आपको पता है वजह क्या है शायद इसमें लिखा हो ख्याल में पढ़ा नहीं हमने पूरी तौर पे दुर्गादास जी हैं अजीत से क्या कारण है इस धरती पे जो भी फकीर अवतार या गुरु आए गुरु सहवान आए जिन्होंने सिर्फ राम नाम गाया और लोक भलाई के कार्य किए उनका इस दुनिया में लोगों ने बहुत विरोध किया क्यों वाकई इतिहास गवाह है जब जब भी पीर फ़कीर कोई भी मालिक का नाम लेने वाला आया है तो जो बुराई से जुड़े होते हैं जिनका रोज़गार ही बुराई होता है तो जब उनकी बुराइयां छूटती हैं वो नशे छूटते हैं उनको घाटा पड़ना शुरू होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है इस वजह से ऐसा कुछ करते आए हूँ और वजह तो कोई नजर नहीं आती क्योंकि फकीर तो सबका भला चाहते हैं संत तो सबका भला करते हैं सभी धर्मों को मानते हैं राम नाम की चर्चा करते हैं नशे छुड़वाते हैं बुराइयां छुड़वाते हैं तो यही वजह हो सकती है जी हरजिंदर सिद्धू हिंदुस्तान टाइम्स से आए हैं जी डेरा प्रेमी हिंसा में लिप्त क्यों हो जाते हैं यहां तक हमारे नॉलेज में है ऐसा कभी भी नहीं वो अपने घर में राम नाम की चर्चा करते हैं ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं वो कहीं भी किसी को इस तरह से करते नहीं कहीं भी किधर भी ऐसा आश्रम की तरफ से कभी भी कोई नहीं होता ना ही शायद यहां तक हमने जो हमें बताया गया उसके अनुसार भी डेरा प्रेमियों ने कभी किसी को जाके तंग किया या कभी किसी को जाके ऐसा किया है वो अपने घरों में बैठ के राम नाम करते हैं तो ऐसा तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है एक सवाल दूसरा इनका ये है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता हमें तो सिर्फ़ यही लगता है कि शायद बुराइयां हद से ज़्यादा इस कलयुग में बढ़ चुकी हैं और उनके नुमाइंदे ज़्यादा हो गए हैं वो नहीं चाहते कि नशे बिकने बंद हो या बुराइयां चलना बंद हो। शायद यही सबसे बड़ा कारण हो जो राम नाम को रोकना है अदरवाइज़ राम नाम अल्लाह वाहिगुरु का नाम तो सबका भला करता है खुशियां देता है उसको क्यों रोका जाए जिन लोगों पर अत्याचार जैसे डब के साथ हुआ उसे आम जनता की नजरे से देखा जाए तो लोकतंत्र में अधिकारों का हनन है यह सब कुछ गलत हो रहा है आज जो डब अगर पूरे भारत में होने लगा तो जनता का क्या होगा कहाँ जाएगी क्या लोकतंत्र ये सब रूल है तो ये हम लोग सबसे पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है क्या वो मीडिया है क्या बुद्धिजीवी लोग हैं तो भाई आपने सवाल रखा है हमने भी सवाल रख दिया है अब हमने सोचा कहीं आप लोगों का सवाल है तो किसी ये शायद नाम अपना नहीं लिखा है तो ये सवाल किया गया है कि ये अगर ऐसा किया जा रहा है उनको कहाँ से न्याय मिले किधर से मिले तो ये भाई आप ही मैनेजमेंट कमेटी से मिले या फिर आप सीधा भाई लोगों से संपर्क करें जी लेखक साहब मैं शाहिद रजा पहासवी एक चैनल में काम करता था अभी बेरोजगार हूं आशीर्वाद लेने आया हूँ शाहिद रजा पहासू जूपी से जी आशीर्वाद है आशीर्वाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो आपको हर नेक काम में अपना रहमोकरम करम आ, बरसाए बाकी करने वाला मालिक आप हिम्मत कीजिए हिम्मत मरदा मद दे खुदा आप हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला, ताला रहमो करम जरूर बरसाएंगे जी दुआ फ़कीर कर सकता है बेटा कर्म आपने करना है डी टी वी प्रवीण दुआ आप प्रेस वालों से पंद्रह दिन में या महीने में, में एक बार जरूर मुलाकात किया करें ताकि इसी बहाने दर्शन भी हो जाए और कई बार दर्शन होते हैं तो आ नहीं पाते जी आ, हम यहाँ पे रोजाना सुबह शाम मजलिस करते हैं आप जब मर्जी आ जाया करें आपसे गुजारिश आपका घर है हम आप, आप चाहे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं आप चाहे नौकरी कर रहे हैं यकीन मानिए हमारे फ़कीर के दिल में जो होता है वो कहता है हम तो आप सबको उस हमारे ओम हरी अल्लाह मालिक परमात्मा की औलाद मानते हैं और औलाद मान के आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मालिक से दुआ करते हैं कि लोगों को आप नेक रास्ते पे चलने की और प्रेरणा दें अपनी तरफ से हिम्मत करें क्योंकि आप भी बहुत बड़ी एक स्तंभ हैं लोगों को नेकी की तरफ लगा सकते हैं नशों से छुड़वा सकते हैं और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों को बुराइयां छुड़वाएं, नशे छुड़वाएं, हम आपके साथ हमेशा हैं साथ संगत आपके साथ है कहीं भी नशा छोड़ने की मुहिम चलवानी है कहीं भी सफाई की मुहिम चलवानी है पेड़ लगाने की मुहिम चलवानी है ब्लड डोनेट करवाना है आंखें डोनेट करवानी है या आप ऐसे जैसे आई बैंक में यहाँ पे आई बैंक है या कहीं भी आप थैलीसीमा के मरीजों को ब्लड करवाना है कहीं भी आप ऐसा कुछ करवाना चाहें मानवता की भलाई के लिए तो हमेशा संगत आपके साथ है आपका भाईचारा आपके साथ है हमेशा और आपका स्वागत कि आप ऐसी मुहिम भी जरूर चलाएं और मालिक इस मुहिम में आपको बहुत तरक्की दे ये अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना आशीर्वाद कहते हैं जी आपको उससे प्रार्थना करते हैं अरुण भारद्वाज हैं संपादक समर घोष संत जी क्या डेरा इंडस्ट्री का रूप नहीं ले रहा जी अच्छी बात है सवाल जो भी आपका आता है बड़ी खुशी होती है यहाँ पे सास संगत ने ऐसा यहाँ तक हमारी नॉलेज में है सास संगत ने ऐसा चलाया हुआ है क्यों चलाया हमको बेसिकली आपको बताना चाहेंगे आप उसको किस रूप में लेते हैं ये आपकी मर्जी है लेकिन जो हकीकत है ये भगवान का ऐसी जगह है क्योंकि सास संगत को हमारे हर धर्म में लिखा है वो भगवान का रूप होती है और उसके सामने हम बोल रहे हैं कभी झूठ नहीं कहते ये शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले शुरुआत हुई मसालों के रूप में मसाले जैसे हल्दी और मिर्ची या ये चीज़ें और क्यों हुई क्योंकि यहाँ के सत्संगी भाई कुछ सतब्रमचरी भाई गए अपने शहर में ही और वहाँ से उन्होंने जब मसाला पिसवाया तो पता चला कि उसमें लीद मिलाते लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है और उसमें और बहुत सारी मिलावट की जाती है तो ये धीरे धीरे पता चलने लगा तो फिर सास संगत ने सोच के मिल कुछ प्रेमी सज्जनों ने यहां पे उस फैक्ट्री का निर्माण किया जिसमें ये चीज़ें चली फिर एग की बात आई जैसे कैंडी है या पता नहीं कौन सी ऑरेंज कैंडी पता नहीं क्या हमें ख्याल में नहीं है जी उस समय जब ये चला था आइस फैक्ट्री या ऐसा कुछ मिला तो उसमें भी हड्डियों का कुछ चूरा कुछ ऐसा बोला गया था जिससे कि वो जम जाता है तो वो डाला गया था तो ये सिद्ध हो चुका था तो उस समय यह शुरू किया गया जब चाय और ये कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऐसे आए हमें पता नहीं कौन से थे जिनमें जहर बताया गया तो उस समय फिर यहां जूस की एक फैक्ट्री शुरुआत की गई तो और है कोई नहीं। ये आश्रम कभी किसी विंग या सोसाइटी एक भलाई के लिए बनाया गया है और उसका बैंक में डायरेक्ट खाता है जैसे दीन दुखियों की मदद या कोई गरीबों का इलाज करवाना चाहता है तो उस बैंक में वो कॉमर्स बैंक जी जो श्यामस्ताना जी धाम है वहां पे बैंक है उसमें खाता है और उसमें वो पैसा जमा करवा देते हैं सत्संगी और वहीं से गरीबों का इलाज फ्री में करवाया जाता है जी तो और कोई ऐसा बात नहीं है कोई इस तरह का नहीं आ, कि अलग से कुछ यहाँ पे आ, बनाया जाता हो जी तो असलियत हकीकत इस तरह जैसे मार्केट का सामने हुआ उस समय भी बड़ा जो हमें बताया गया एक वाक्य याद है मार्केट जो आश्रम के सामने बनी है तो कुछ भाई लोग उस समय के डीसी सज्जन थे उन्होंने हमें बताया मिलने आए कहते गुरुजी कुछ लोग आपके खिलाफ आए थे हमने कहा क्या कि भाई डेरे वालों ने सामने मार्केट बना दी तो खिलाफ क्या कहा कि ये तो मुनाफा सिर्फ एक रुपया लेते हैं ये गलत है इनका बंद करवाओ तो डीसी साहब मुस्करा के कहने लगे मैंने कहा आप पचास पैसे ले लिया करो तो कहने का मतलब ये भी इस तरह से उस समय नीम रखी गई और कोई ऐसा नहीं कि यहां लूट खसूट या कोई ऐसा कुछ किया जाता हो इस तरह का कोई बात नहीं है जी जी इन्होंने लिखा है विवादित बयानों को आप प्रबंधकों समिति पर छोड़ रहे हैं कमाल की बात है जब हम जी कभी किसी को कुछ बोलते नहीं बुरा उन्नीस से लेकर आज तक आप हमारी कैशने ले लें सीडी ले लें वीडियो ले, सीडी ले किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो आप हमें कहते हैं कि आप भड़का रहे हैं यहां तक आप कह रहे हैं कि आप उनको रोकते क्यों नहीं अभी भजन में भी हमने गाया क्या करना चाहिए शुरुआत में भी बोला है कि हमें नफरत नहीं करनी निंदा नहीं करनी क्या करना है शुरू में जो भाई पहले आए होंगे और हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हमें अपने जन्म में दो काम जरूर करने चाहिए पहला ईश्वर का नाम लेना और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करना तो क्या ये हम अपने आप को कह रहे हैं कि ऐसा करो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको यही बात कह रहे हैं और अपने अनुयायियों को ही कह रहे हैं यहाँ किसी और को नहीं कह रहे सब उनको कह रहे हैं आप भी आए हैं सबको कह रहे हैं कि भाई आप कभी भी भड़काऊ बात ना करें बुरी बात ना करें चलो आपके शब्दों को ही बोल देते हैं प्यारी सास संगत जी जितने भी सेवक भाई यहाँ हैं जो भी बैठे जो सुन रहे हैं कि भड़काऊ बयान ना दें बुरा ना बोलें ये आपको हम अपनी तरफ से जरूर कहते हैं आशीर्वाद देते हैं और आदेश भी कहते हैं जी आप जो कहना कहलवाना चाहें वो कह देते हैं ये तो पारदर्शिता है इधर ऐसा कुछ नहीं है कि मन में कुछ और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इधर नहीं है ऐसा कुछ जो कह रहे हैं आपके सामने शरियाम कहेंगे और यही सच है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत का ही संदेश देते थे देते हैं और देते रहेंगे जी। एक राष्ट्रीय दैनिक ब्यूरो चीफ हैं जी डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म को मानता है लेकिन डेरा की ओर से प्रकाशित समाचार पत्र सच कहूँ में दूसरे धर्म के संतों की सत्संग की खबर नहीं छापी जाती थी ये हकीकत है कि हम आपको जैसे कहा कि हमारा सच कहूँ या किसी भी अखबार को हम कभी पढ़ते नहीं सच कहूँ की यहां तक बात है कि आप आश्रम में छपता है तो यहां जो भी सच कहूँ के जिम्मेवार बैठे हैं शायद बैठे होंगे अगर बैठे तो हाथ खड़ा कीजिए और बताइए क्या वाकई आपके पास खबर आती है और आप नहीं लगाते हम पूछ सकते हैं और आपके सामने पूछ रहे हैं कोई सज्जन यहाँ बैठा होगा सच कहूंगा जिम्मेवार या कोई थोड़ा बहुत कोई पत्रकार सज्जन या जो भी है कोई है यहाँ है नहीं जी खबरें लगती हैं तो फिर आप इन भाइयों को जरूर दिखाइएगा जी बस और कोई बात नहीं हो सकता उन्होंने बात ना पढ़ी हो यही हो सकता है, है गलतफहमी हो सकती है आप वही अखबार इनको दिखा दीजिए कि जी ये लगती हैं और आगे से नहीं लगती तो जरूर लगाया करें और बढ़ चढ़ के भलाई की खबरें जरूर लगाया करें जरूर लगाया करें जी आ, हमारी तरफ से तो यही कहना है जी ये मुलंड आ, मुंबई में जो फायरिंग का मामला उसमें सच क्या है हकीकत का पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है हकीकत क्या है क्योंकि हमें बाद में जैसे हम बेंगलोर या मैसूर शहर पहुंचे वहां सारी हकीकत की गई ये हमें जरूर बताएगा शाम के टाइम रात का टाइम था हमें ख्याल में नहीं है क्योंकि हम जिन गाड़ियों में बैठते हैं बहुत मोटा शीशा है और चारों तरफ से उसके अंदर पर्दे हैं कवर है आप देखना चाहें दिखा सकते हैं आपको अगर आपको लगे कि ये भ्रम है पूरा काला शीशा है और उसके अंदर पर्दे हैं पता नहीं किस वजह से डबल है वो और हमें कहीं भी कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ कैसे किधर कब लेकिन जब मैसूर में आके ये बताया गया कि ऐसा कुछ वहाँ झगड़ा हुआ जब रात को हमें यह कहा गया कि कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है तो आपको यहाँ से जल्दी जाना है तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए झगड़ा होने का अभी अंदेश है तो इसलिए वहाँ की जो लोग थे फोर्स वगैरह जो भी थी वो हमें पूना एयरपोर्ट पे छोड़ गए थे तो वहाँ से हम बेंगलोर में चले गए थे आश्रम में चले गए थे जी तो बाकी पुलिस है जो इसकी पूरी छानबीन कर रही है उस बारे में वो पूरी तरह से लगी हुई है जी तो ये सवाल तो शायद आपके हो गए और भी दीजिए जरूर आप हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाते पता नहीं क्यों ये हमारे बारे में कहा गया एक दो भाइयों ने पहले लिखा था गुरु जी सोचा है आप कुछ सवालों का बुरा मना जाते हैं क्यों मनाएंगे भाई फ़कीर को बुरा मनाने से क्या लेना देना आपके मन की जिज्ञासा है आपकी भावना है आप पूछना चाहते हैं पूछिए हमने बुरा क्यों मानना है मालिक जैसा ख्याल देगा ये ज़रूर है आप उसे मान जरूर लीजिए और कहीं हमारे सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश ना कीजिए ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ज़रूर है पर यहाँ लाखों संगत सुन रही है सबको पता चल रहा है कौन से सवाल का क्या जवाब मिल रहा है सीडी बन रही है सब आप लोग भर रहे हैं तो आपसे गुजारिश ज़रूर है हाथ जोड़ के विनती जरूर है कि त्रोड़ मरोड़ के पेश ना कीजिएगा हकीकत जो हम कहने जा रहे हैं एक फ़कीर का दिल एक शीशे की तरह होता है आ, उसमें किसी के लिए कोई खोट कोई बैर भाव नहीं होता तो आपसे हाथ जोड़ के विनती वो भी ये लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं बार बार हमारे पास आ रही हैं कि जी तोड़ मरोड़ के ना हो ऐसा ना हो वैसा ना हो इसलिए हमने आपसे हाथ जोड़ के विनती की है जी कोई आपको आदेश नहीं मालिक को खुश करना चाहे दिल ना किसी का दुखाना शायद आपने भजन सुना नहीं पहले जरूर सुन लीजिए जो हमने भजन बोला था वो एक आदेश होता है फकीर की तरफ से मालिक को खुश करना चाहे दिल ना किसी का दुखाना भला मांगना करना सबका हक हलाल का खाना अरे भाई अगर तू अपने ओम अल्लाह राम वाहिगुरु गौड खुदा रब को खुश करना चाहता है तो तू किसी का दिल ना दुखाना हमारे गुरु जी ने एक दोहा लिखा है इस जन्म में ये दो काम करो एक नाम जपो और प्रेम करो किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी मौत याद रखो मालिक से डरो कि भाई अच्छे नेक कर्म करें मालिक को याद करें सबका भला मांगें सबसे प्यार से बोलें और हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाएं ताकि मालिक आपको खुशियों से माला माल करें इस बारे में संत पीर फकीरों ने लिखा बताया है जी दिल प्रभु की सच्ची मसीत है इसके अंदर ही मालिक का मंदिर है हर एक का दिल हरी का मंदिर है जो दिल आजारी करता है वो उस मंदिर को चोट मारता और गिराता है जो दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाता है वो दूसरों के मंदिर को ही नापाक और वीरान नहीं करता वो उसके साथ अपने दिल के मंदिर को भी बर्बाद करता चला जाता है तो यही हमारे सूफी संतों ने भी लिखा है इस्लाम धर्म एक सूफी संत रहे बाहू जी एक दिल खस्ता रखें बाहू थी इबादत कि आप एक दिल को खुश कर लेते हैं नेकी से भलाई से अच्छे कामों से तो सौ साल की बंदगी की जैसा फल आपको मिल सकता है नेकी से भलाई से स्वार्थीपन से नहीं ये भजन में आया जी काम है तेरा करने वाला जपना नाम बताते नाम से खाली श्वासा पूंजी हार जुए में जाते तेरा करने वाला जो काम राम का नाम जपना है चलते बैठ के मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं चलते जाइएगा देखते जाइएगा और जीबा से ख्यालों से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते जाइएगा चौथे पाशा श्री गुरु रामदास जी महाराज लिखते हैं खाते पीते पहनते बोलते हंसते आप मालिक का वाहगुरु का प्रभु का नाम लेते रहिए अगर आप ऐसी भक्ति भी कर लेते हैं तो वो बीच में मोक्ष मुक्ति दे देगा तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है कितना आसान तरीका है कि आप चलते बैठ के लेट के हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी तो दोनों काम साथ साथ करते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बनते जाएंगे जी इस बारे में लिखा बताया है नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है जिन्होंने नाम को नहीं जाना जहां उसकी प्राप्ति नहीं की उन्होंने कुछ नहीं जाना वो ज्वारे की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए दुनिया में अपनी स्वासों रूपी पूंजी बर्बाद कर गए कहती कबीर कुछ गुण विचार चले जुआरी दो झार देर ना कर तू काम ये कर ले शाह सतनाम जी का कहना हर घट में तू देख प्रभु को घर निज धाम में जाना घर सचखंड में जाना देर ना कर तू समय गुजरता जा रहा है कि भाई देर ना कर इस समय में ओम मालिक को याद कर संतों ने कहा श्वासवास में सुमरण कर सकते हैं कैसे कई लोग सोचते हैं राम नाम लेना मुश्किल है जी नहीं राम नाम लेना मुश्किल नहीं है आप खाना खाते हैं कौर तोड़नी पड़ती है लगाना पड़ता है खाते चबाना पड़ता है आंतड़ियां हजम करती हैं तब जाके अंदर से वो शक्ति मिलती है लेकिन राम नाम तो ना तोड़ना ना करना आपके अंदर एक बार आ जाए तो जीबा से लेते रहिए ख्यालों से घुमाते रहिए आप चाहे लेटे हैं बैठे हैं बाल बच्चों में रहते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं क्या कबीर जी ने नहीं पाया क्या श्री राम जी भगवान नहीं कहलाए क्या कृष्ण जी महाराज भगवान नहीं थे सभी गरिस्थ आप निगाह मारिए तो ये कह देना कि त्यागने से सब कुछ मिलता है हाँ त्यागना बहुत बड़ी बात है अगर सच्चा त्यागी कोई बन जाए तो त्रिलोकी में ऐसी जिंदगी जीते जी नहीं होती लेकिन सच्चा त्यागी हो सच्चा त्यागी किसे कहते हैं कि वो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के चंगुल से बाहर रहे इन चक्रों में ना पड़े ये नहीं पैर तो त्यागियों वाला है लेकिन काम सारे गृहस्थियों वाले हैं तो ना घर का ना घाट का वाली बात हो जाती तो इसलिए अगर आप त्यागी बने तो पूर्णतः त्यागी बनिए और अगर घर गर गृहस्थ में रहते हैं आपके जो भी फर्ज हैं अदा कीजिए लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश आप सुबह आधा घंटा शाम को आधा घंटा सिर्फ राम नाम का जाप करके देखिए सिर्फ आधा घंटा एक घंटा नहीं दे सकते आप मालिक के लिए डिग्री डिप्लोमे के लिए आप कितना कितना टाइम देते हैं तब जाके डिग्री डिप्लोमे मिलते हैं तो क्या भगवान के लिए एक दिन में एक घंटा नहीं दे सकते आप डॉक्टरेट बनने के लिए डॉक्टरी हासिल करने के लिए पीएमटी करते हैं लोग बच्चे या आगे डिग्रियां हासिल करते हैं तो उसके लिए दिन में बारह से सोलह घंटे पढ़ते हैं तो क्या राम के लिए प्रभु के लिए आधा घंटा या घंटा एक दिन में नहीं जाप करना चाहिए अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत नहीं करनी चाहिए आप ऐसा करके देखिए घंटा सुबह शाम सिर्फ दो महीने 120 घंटे यानी पांच दिन और पांच रात हम आपको गारंटी देते हैं आपके अंदर भगवान की के दया में रहमत के नज़ारे जरूर शुरू हो जाएंगे विदाउट एनी डोनेशन बिना किसी धर्म चेंज किए बिना पहनावा चेंज किए बिना कोई ड्यूटी छोड़े हम आपको वो गुरु मंत्र गुरु मंत्र गुरु का शब्द नहीं भगवान का वो शब्द जो फकीर ने खुद किया हो उससे सब कुछ मिला हो वही शब्द जब वो दुनिया को देता है तो उसे बोलते हैं हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा नाम दीक्षा इस्लाम धर्म में कल्मा और सिख धर्म में नाम शब्द और इंग्लिश फकीर कहते हैं द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन पर वो कैसे होगा ध्यान उसके लिए वो शब्द हैं आज तो नासा साइंस के अंदर भी मान रहा है कि कुछ शब्द हैं उनको लगन से दोहराओगे तो आप प्रभु की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाओगे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा आत्मबल आएगा जिसे नेकी भलाई में आप तरक्की करते चले जाएंगे जी तो इस बारे में लिखा बताया है संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं वो कभी भी नहीं करते समय की कदर करो समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते काल करे सो आज कर आज करे सो अब पलमें पर लै होएगी फिर करेगा कब काल करे सो आज कर आज है तेरे हाथ काल काल तू क्या करें है काल के हाथ। हाँ जी एक बात कि समय जा रहा है लेकिन इस समय में आज के समय में जो हो रहा है छोटी छोटी बेटियों को कुत्तों के आगे फेंका जा रहा है आप सोचते हैं गांव में सफाई करने कि सफाई करने वाले जा रहे हैं और वो सफाई कैसे होती है माता के गर्भ में से उस बच्ची को पीसीज करके या उनमें केमिकल डाल के जला के उनको बाहर निकाला जाता है और बाद में डस्टबिन में फेंक देते हैं और कुत्ते उनको नोच नोच के खाते हैं आपका वो खून आप अपने आप को बहुत बड़े मर्द कहलाते हैं और अपने हाथों से अपने बेटी का कत्ल करते हैं अरे है ऐसे मर्द पे जो ऐसे कर्म कमाता है और वो मां जिसको भगवान का रूप कहा जाता है भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो वो है मां का और वो मां जो अपने हाथों से अपने बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के पशुओं के आगे फेंक देती है अरे उसे मां या भगवान तो क्या हमारे धर्मों में उसे डायण कहा जाता है जो अपने बच्चे आप खा जाती है और ऐसा डॉक्टर जो ऐसे कर्म करता है अरे चंद नोटों के टुकड़ों के लिए उस छोटी सी जान के टुकड़े टुकड़े कर देता है विज्ञान को तो हमने भी पढ़ा उसमें लिखा है कि विज्ञान आदमी की जान बचाने के लिए लेकिन चंद रूपों के लिए जो अनजान बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कुत्तों के आगे फेंक देते हैं हालांकि गांव में डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं पेट में दर्द हुआ इंजेक्शन लगा दिया कहता यार फल डॉक्टर तो भगवान है कैसे कहता मैं पेट दर्द से तड़फ रहा था इंजेक्शन लाया मुझे तो बचा दिया भाई लेकिन जो ऐसा अत्याचार करते हैं हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार उसको जल्लाद का रूप कहा जाता है तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के बिनती अगर आप मर्द नहीं बन सकते कोई बात नहीं एक अच्छे बाप बन जाइए आप भगवान नहीं बन सकती कोई बात नहीं एक अच्छी मां बन जाइए फिर भी अगर आपके पास बहुत बेटियां हैं अबॉर्शन करवाना है तो मत करवाइए उसको पैदा कीजिए और वो हमारे पास दे जाइए यहां सास संगत ने ऐसी बेटियों के लिए शाही बेटियां बसेरा घर बनाया है और वहां आज हमारे पास अठारह बेटियां हैं तो आप उन बेटियों को यहां छोड़ जाइए हम उनका परवरिश करेंगे और जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती सारी सास संगत मिलकर उनकी परवरिश करती ही रहेगी तो आपसे हाथ जोड़ के बिनती और वो बेटियां यहां पे हैं आप मिल सकते हैं बात कर सकते हैं ए सी रूम से उनके सी बोर्ड में वो पढ़ रही हैं तो खड़े हो बेटा ये बच्चियां वो हैं जिनको पता नहीं कहाँ रुलना पड़ता और क्या हाल होता है इनका तो आज आपके सामने है ये वो बच्चियां जिनका भ्रूण हत्या या ऐसे अनाथ बच्चियों में नाम था और इनका बुरा हशर था तो आज आपके सामने ये बच्चियां पढ़ रही हैं और ऐसे ही बच्चे हाँ ये सत्संग देखना चाहती है जी ये बेटियां खड़ी हैं और इनको अनाथ नहीं कहा जाता इनको हमने अपना नाम दिया है माँ बाप का नाम किसी माता ने इनसे पूछा कि आप तो अनाथ हो तो इन बच्चियों ने जवाब दिया अनाथ हम नहीं है माता हमारा माँ बाप तो बहुत सत्संग कर रहा है तो इनको हमने अपना नाम दिया है अपनी बेटियों की तरह तो सासंगत से गुजारिश कि ऐसा करेंगे नहीं हाँ बैठ जाए बेटा बैठ जाए बैठ जाए आप सास संगत बैठ जाए सारी संगत खड़ी होगी दिख नहीं रहा आपको क्योंकि बहुत छोटी बच्चियां हैं बैठ गई वो आप भी बैठ जाइए और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपको ये बात हमारी सही लग रही है कि आप भ्रूण हत्या करना महापाप है जो कि 100 परसेंट सच है तो आप आगे से भ्रूण हत्या नहीं करेंगे आपसे हाथ जोड़ के बिनती है कि आप हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए सभी लोग चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ अगर नहीं खड़े करें इसका मतलब आप करेंगे भ्रूण हत्या जी हाथ खड़ा रखिए थोड़ी सी देर देखिए भाई मालिक आप सबको बेअंत खुशियां बख्शे जिन्होंने आज ये वायदा किया है कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे तो मालिक आपकी झोड़ियों में दया में रहमत से माला माल करे ऐसा फल दे ऐसी खुशियां दे आशीर्वाद नीचे कर लीजिए बड़ी खुशी की बात है कि लाखों की साथ संगत में सभी ने ही हाथ खड़े करके ये संकल्प लिया है जी ये एक सज्जन ने चौधरी साहब हैं इन्होंने लिखा है कि उधर से कोई कह रहा है कि इस तरह की बात इधर वालों की भी सुन लीजिए फिर बताइए क्या हो रहा है आपसे पहले ही कहा था कि एक पहलू नहीं टेबल पे बैठेगा तो दोनों पहलुओं की सुननी होगी आपने एक पहलू की एक पक्ष की बात सुनी वो हमारे सामने रख दी अब इधर वाले पक्ष जो है उनसे भी आप बात कीजिए और उनसे चर्चा कीजिए फिर देखिए आप क्योंकि एक तरफ आप सुन के ऐसा कह दें तो ये शायद हमारे ख्याल से ठीक नहीं दोनों तरफ सुनिए दोनों तरफ पूछिए डेरा के कुछ सेवादार मंदिर गुरुद्वारों में जाने से मना करते क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई आदेश है जी सवाल पैदा नहीं होता हम खुद मुंबई में महालक्ष्मी जी का मंदिर उसमें गए थे वहां की संगत कहने लगी मुंबई की गुरु जी आप हमारे साथ चलो उनके साथ चले गए तो वहां मुसलमान भाई थे वो भी बहुत गुरु मंत्र लिया हुआ है वो कहने लगे गुरु जी मंदिर में तो आप जाए मस्जिद में चलो और वहां मस्जिद मशहूर है हाजी अली हाजी अली तो हाजी अली में हम गए वहाँ काफी देर तक उनमें हाजी अली में रहे तो वहाँ पे कुछ ईसाई भाई थे उन्होंने गुरु मंत्र ले रखा था उनको पता चला कहते गुरु जी दो जगह तो जाए अब हमारा जो चर्च है उसमें भी चलिए हमने कहा जल भाई तो एक दिन में तीनों जगहों पर जाके आए थे हर जगह अगर कोई सत्संगी ऐसा है तो हम किसी को क्यों रोकेंगे सवाल पैदा नहीं होता जो ऐसा कहता है वो अपने आप कहता है अपने हिसाब से कहता है हमारे तरफ से कोई किसी को आदेश नहीं कोई कहीं भी जाए Uh, किधर भी जाए मालिक हर जगह है कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहां आते हैं और स, जाते हैं वो सब जगह पे तो ये थे जी कपिल जी पंजाब के श्री सरसा से जी जी ये आ रहा है जी संपादक सच कहू की तरफ से उन्होंने लिख के भेजा है सचकहू में सभी धर्मों से संबंधित शोभा यात्राओं कीर्तन वे समाज से भी कार्यों की खबरें लगती हैं परंतु हमारे समाचार पत्र की यह नीति है कि उन आयोजनों की खबर या कवरेज नहीं छापी जाती जो कथा कीर्तन के नाम पर चंदे के रूप में भारी रकम इकट्ठी करके और अन्य धर्मों की निंदा करते हैं सिर्फ उनको आ, कहते हम नहीं लिखते ये उन्होंने लिखा है जी कि यहाँ पे कोई ऐसा होता है वहां नहीं ये उनकी तरफ से है जी उन्होंने लिख के भेजा है तो अब थोड़ा सा समय सजे रहिएगा बाकी सास संगत ने लंगर भोजन लेना है जो नए भाई आए हैं जो गुरु मंत्र के चाहवान हैं जिसके लिए ना धर्म छोड़ना ना पैसा देना ना कोई और बात कोई चक्कर है तो आप सब सचखंड हॉल जो आपके सामने बिल्डिंग है उसके अंदर जाना है टीवी से प्रोग्राम पहले ही अंदर चल रहा है तो वहाँ जाके बैठिए अपने भी वहाँ पे आ रहे हैं और आपको गुरु मंत्र वो नाम दीक्षा जो चाहवान है उनको जरूर देंगे जी और बाद में लंगर भोजन कराया जाएगा बाकी जो भी सास संगत आई है इस कलयुग में इस भयानक समय में तो मालिक से दुआ है कि आप जब चले हैं और जब वापिस जाएंगे तो आराम से जाना है जल्दबाजी नहीं करनी आराम से जाइएगा और जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक से दुआ है कई ससों का फल आपको बढ़ चढ़ के मालिक झोलियां भरे दया में रहमत से माला माल करें ये मालिक से दुआ करते हैं जी तो प्रार्थना करते हैं अब बस थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा और फिर जैसा आपको बताया है, लंगर भोजन लीजिए और नए भाई पहले नाम फिर लंगर भोजन तो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा सजी रहिएगा एक ही नूर से नूर से हुक्म से, से सारी सर साजी भाई पंडित काजी एक ही जात है जात है एक ही जात